समर्पण अपने परम मित्र तथा साथी श्री चक्रपाणि की पुनीत स्मृति में, जिन्होंने इस कहानी की रचना की और इसे तेलुगु और तमिल भाषाओं में सदाबहार लोकप्रिय चलचित्रों का रूप दिया। बादाम के तेल से उसके सर की मालिश करना, और उसको क्या कहते हैं वो शैम्पू से उसका सर अच्छी तरह से धो देना। सुना तुमने? माँ जी आप इस ऊपर से कह दीजिए ना, मैं कहूंगी तो बिगड़ जाएगी। कैसे नहीं बिगड़ेगी? तुझे बात करने की तमीज है ना, काम करने का शौक है ना, बोलने का ढंग है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, कहाँ जान फंसी है। हे भगवान, तुम तो सुखी हो गए, आराम से जाके स्वर्ग में बैठे मजे ले रहे हो। सौतेली की मुसीबत मेरे सर पे पटक गए, सारे घर का काम काज मुझे को करना पड़ता है, दिन रात मरना पड़ता है मुझे इसी नर्क में। हे भगवान, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करना। आह प्रभा बहन, कितनी पतिव्रता है आप, जहाँ आप अपनी आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़कर अपने पति के आगे पूजा प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन आप जानती हैं कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या गंदगी उछाल रहे हैं। हमारे बारे में? जी हाँ,
कौन है वो लोग? अजी मैं किंकर का नाम लूं, आप गिनते गिनते थक जाएंगी। जहाँ भी मैं रूपा बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने जाता हूँ, बस यही बकबक करते हैं। क्या कहते हैं? जी मैं क्या बताऊँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपने अपने पति को जहर देकर मार दिया। क्या? हाँ, इसलिए तो कोई रिश्ता करने आता नहीं। वो कमीने बकवास करते रहे और तुम चुपचाप वहाँ खड़े सुनते रहे। अजी मैं और चुप रहता? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैंने वो सुनाई कि तबीयत धोके रख दी उनकी। है जी, मट्टी डाली उन लोगों पर। आज मैंने दूसरे शहर जाने का इरादा किया। मैं फैसला करके आया हूँ कि जब तक रूपा की शादी तय न हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा। तो मैं न कहीं जाने की जरूरत है और न वापस आने की। क्या मतलब? मैंने ये काम पुरोहित जी को सौंप दिया है। वो एक अच्छा सा घर देखकर बात पक्की कर लेंगे। कन्या रूपवती अच्छी लिखी पड़ी है। अच्छा? बिचारी का बाप मर चुका है, परंतु माँ ने बड़े लाल प्यार से पाला है। दहेज भी चोखा देंगे, काफी संपत्ति वाले लोग हैं। पुरोहित जी, जी मेरे बेटों के लिए पत्नी चाहिए, संपत्ति नहीं। उनकी एक ही एक बेटी है, जो कुछ है उसी को जाएगा। उनके और कोई संतान नहीं है? अपनी तो यही एक है, दूसरी सौतेली है, लेकिन जो है सब इसी कन्या को मिलेगा। लड़की अच्छी है, दहेज भी काफी देंगे, तो फिर आपको इतनी दूर आने की जरूरत क्यों पड़ी? आसपास में कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? आपने पूछ ही लिया, तो आपसे क्या छिपाना। दुर्गा देवी यानी इस लड़की की माँ, इसका एक रिश्तेदार है मक्खनलाल, रंगा सियार नंबर एक का मक्कार। उसने दुर्गा देवी पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो उसी की सुनती है, उसी की मानती है। अगर किसी ने कह दिया कि ये आस्तीन का सांप है तो उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। वो ये नहीं जानती कि यहाँ कहीं रूपा के रिश्ते की बात चलती है, मक्खनलाल जाके उसे बिगाड़ देता है। वो ऐसा क्यों करता है? वो इस कन्या से अपने बेटे का ब्याह कराना चाहता है। ये तो अच्छा है, बिरादरी का माल बिरादरी में रहेगा। राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं यजमान? वो लड़का तो दुर्गुणों की पोटली है, पोटली। इस वक्त वो जेल में सड़ रहा है। हाँ तो लड़की तो आपने पसंद कर ली है, आप चाहे तो इस सुनबे का भला कर सकते हैं। आप जब चाहे तब लड़की को जाकर देख सकते हैं। पता पीछे फोटो पर लिखा हुआ है, मिस रूपा भार्गव, डॉटर ऑफ श्रीमती दुर्गा देवी भार्गव, द्वारकापुर। इनके पिता कौन थे? अमीर चंद भार्गव जी, नासिक के बहुत बड़े रईस। उनका जंगलों का बहुत बड़ा ठेका था, सारी दुनिया उन्हें जानती थी, बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष। लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो राजरानी था। वो उनकी पहली पत्नी थी, एक साल की बच्ची छोड़कर बेचारी परलोक सिधार गई। अमीर चंद जी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। उन्हें रात दिन चिंता लगी रहती थी कि उनकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। आखिर उन्होंने द्वारकापुर जाकर एक गरीब घराने में दूसरी शादी कर ली, मेरा मतलब है दुर्गा देवी से। कुछ वर्षों के बाद अमीर चंद जी का भी देहांत हो गया। अमीर चंद जी के मरने के बाद दुर्गा देवी ने उनकी सारी जायदाद बेच डाली और वो द्वारकापुर वापस चली आई। वहां उन्होंने नई कोठी खरीदी, जमीन जायदाद खरीदी और अब तो आजकल वहां दुर्गा देवी का ही नाम चलता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ तो गए, अब पूछने का क्या मतलब? अब तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप अंदर आए किस लिए? मैं दुर्गा देवी जी से मिलने आया हूँ। दुर्गा देवी? वो खड़ी है ना आपके सामने। अरे अरे, क्या काम है आपका इनसे? नमस्ते। पुरोहित शंकर प्रसाद जी ने मेरे बेटों के लिए आपकी बेटी रूपा। अच्छा अच्छा, आप मेरी बेटी रूपा की रिश्ते की बात करने आए हैं? अरे ओ शांति, जल्दी से जलपान लाना, मेहमान आए हैं। बैठिए। दुर्गा बहन, सुनिए, पहले पूछ तो लीजिए कौन है और कहां से आए हैं। मेरा ख्याल है आप श्री मक्खनलाल हैं। हाँ हूँ। तो नहीं, वो पुरोहित जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरी? मेरा नाम रतनलाल है, मैं बिमलपुर से आया हूँ। 30 साल पहले जब आपके पति श्रीमान अमीर चंद जी नासिक में रहते थे, मैं उनके यहाँ एक मामूली नौकर था। उन्हीं की मदद और आशीर्वाद से मैंने परदेश जाकर अपना कारोबार शुरू किया, वहां लाखों रुपए कमाए।
अब वतन की याद मुझे वापस खींच लाई है। वापस आते ही मैंने आमिर चंद जी के बारे में मालूम करने की बहुत कोशिश की। आखिर पुरोहित जी से मुझे उनके बारे में मालूम हुआ और मैं फौरन आपसे मिलने चला। आज अगर आमिर चंद जी जिंदा होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनका एक मामूली सा नौकर इतनी तरक्की कर गया। क्यों दुर्गा बहन? हाँ, आप बैठिए तो सही। आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? आखिर आप इनके मालिक की पत्नी है। भले आज ही लखपति हो गए हैं लेकिन है तो आपके पुराने नौकर ही ना। मगर दुर्गा बहन के मन में ये नौकर मालिक वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप बेशक बैठ सकते हैं। क्या दुर्गा बहन, ठीक कर रहे हैं ना? बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मेरे दो बेटे हैं, राम और लक्ष्मण। आपकी बेटी रूपा। क्या हजम धा रहे हैं आप रतनलाल जी? जरा सोचिए, अगर दुर्गा देवी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगी तो समाज और बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? लोगों के मुंह में खाक, वो तो पहले इनकी बुराई कर रहे हैं, अब उनको और मौका मिल जाएगा बकवास करने का। वो जरूर कहेंगे कि दुर्गा देवी को अपनी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी नौकर के बेटे के साथ कर दी। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अगर अपने पति के मामूली नौकर को संदी बनाने से आपका मान बढ़ता है तो बढ़ाइए मान। नहीं रतनलाल, तुम लखपति होगे अपने घर में लेकिन रुपए पैसे से आदमी की औकात नहीं बदल जाती। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ जी, अरे ये क्या, तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हर ऐरे घरे के लिए चाय नाश्ता लेके आती हो, यही तो मुसीबत होती है। सौतेली को अपने घर में रखी, हर वक्त घर का नुकसान करती रहती है। मम्मी, मम्मी, मैं पूछती हूँ, सुबह सुबह इस घर में मुझे कब गर्म चाय भी नहीं मिल सकती? देखो कितनी ठंडी है। क्यों रे शांति के बच्चे? मैंने गर्म चाय दे दी। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मक्खन लाल, मैंने तुमसे 50,000 बार कहा है कि कोई कूली, कोई मजदूर, कोई भिखमंगा मंगा कोई भी मिल जाए तो उसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ लाओ, इसका बहकाया कि इसको धक्का देके निकालो घर से। मैं तो तंग आ गई उस मनहूस लड़की से। देख लो अपनी आंखों से देख लो, रोज इस घर में कोई ना कोई नुकसान होता। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाइए साहब जाइए, अपने बेटों के लिए कोई और दरवाजा खटखटाइए। दुर्गा बहन, परेशान होने की क्या जरूरत है? रिश्ता नहीं हुआ तो ये उन लड़कियों की बदकिस्मत है, आप क्यों चिंता करते हैं? खाऊंगा, भूल जाइए उन्हें। किसी के एहसान को भूल जाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। संसार में हर पापी को मुक्ति मिल जाती है लेकिन नाशुक्रे को कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तुम नहीं जानते आज जो कुछ हम हैं, जमीनें, बंगला, बिजनेस, धन दौलत, यहां तक कि ये कपड़े जो हम सबके बदन पे हैं, ये सब उन लड़कियों के पिता की देन है। बहुत बरस पहले की बात है, मैं उनके यहां एक मामूली नौकर था और जब नसीब आजमाने के लिए विदेश जाना चाहा तो उन्होंने 10,000 रुपए मेरी हथेली पे रख दिए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जो कोशिश करता है उसकी भगवान जरूर मदद करता है। उस वक्त तुम्हारी माँ मेरे साथ थी, उसकी खाली बाहें देखकर
अमीरचंद जी की धर्मपत्नी ने अपनी बाहों से सोने के कड़े निकालकर उसे पहना दिए। कहने लगी, परदेश में ना जाने कौन से वक्त क्या जरूरत आ पड़े। वो देवी जिसे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, जिसने तुम्हारी मां की गरीबी को अपने प्यार से ढक दिया था, उस देवी की फूल जैसी बेटी के साथ उस घर में नौकरानियों से भी बुरा सलूक होता है, ये सब देखकर उस आदमी के दिल पर छुरियां नहीं चलेंगी जिसका रोम रोम उस घराने के एहसानों तले दबा हुआ है, जिसके हर सांस उस घराने की शुक्रगुजार है। लेकिन आज इन बातों को कौन समझता है, इन भावनाओं को। वैसे वो दूसरी लड़की भी अच्छी है, जरा गर्म मिजाज है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी मां के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। डैड, आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? मैं उन दोनों लड़कियों को अगर अपनी बहुएं बना सकता तो समझता मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। दिल छोटा ना कीजिए डैड, आप पर तो एक ही एहसान है अमीरचंद जी का, हम पर तो डबल एहसान है अमीरचंद जी का और माँ बाप का। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप हुक्म दीजिए डैड, हम उन दोनों लड़कियों को किसी भी तरह आपकी बहुएं बनाकर आपके चरणों में ले आएंगे। वो इतना आसान नहीं है बेटे, वो दुर्गा देवी बड़ी जिद्दी है, और वो मक्खनलाल है, वो तो उस घराने का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए डैड, हम उस मक्खनलाल को मक्खन खिलाकर दुर्गा देवी की नाक को हां में बदल देंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो मक्खनलाल और दुर्गा देवी की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। बस डैड, आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ। दुर्गा देवी की बेटी रूपा की शादी होगी तो मक्खनलाल के बेटे चंद्र से ही होगी। अरे ये रात तो तुम पिछले 20 साल से सुना रहे हो, जब रूपा का जन्म हुआ सारी उम्र यही राग गाते रहोगे, चुपके से कोई आवेगा और रूपा को दुल्हन बनाकर ले जावेगा। अरे ले जावेगा तब ना, जब कोई घर में आवेगा। जो भी उस घर में आता है रिश्ते के लिए, मैं उसे बाहर ही रोक लेता हूँ और ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि कंबक दुम दबाकर भागता है। ओए होए, कहीं इस उल्लू के पट्टे के लक्षण अच्छे हैं। अगर मेरे बेटे को गाली दी तो? हाँ। अरे कहाँ गाली दे रहा हूँ, गाली तो मैंने अपने आप को दी है, मैंने इसे तो पट्टा ही कहा है, उल्लू तो अपने आप को कह रहा हूँ। जाके होटल वाले के मत से मारू। मगर ये तो बता के जाओ मेरा लाडला कभी आ रही है? हाय हाय हाय, यूं पूछ रही है जैसे तेरा लाडला बंबई किसी कॉलेज में पढ़ने गया है, माँ का तार मिलते ही खट से हवाई जहाज में बैठकर यहाँ आ जाएगा। अरे अभी उसके जेल के 2 महीने बाकी हैं। तो अभी से दुर्गा देवी को पता ही ना, ताकि मेरा बेटा जब आ गए तब रूपा की शादी मेरे बेटे से करा दे। अरे मैं तो दिन रात वहाँ के चक्कर लगाता रहता, जैसे वो दुर्गा देवी का घर नहीं दुर्गा माता का मंदिर है। तो फिक्र ना कर भगवान, देवी का प्रसाद हमी को मिलेगा। Lakshman! Jaggi! What a surprise! What a pleasant surprise, my boy! How do you do? तू कब आया यार? तेरे को कितने बरस हो गए देखे हुए? So many years! याद है अपन लोग सिंगापुर में एक साथ घूमा करते थे? यार मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आज अचानक हमारी मुलाकात यहाँ इस तरह भारत में, वो भी द्वारकापुर में होगी, and that too in this hotel. I tell you, come on, come on, lovely, lovely. यार मैं तो 4 बरस हो गए भाई इंडिया में आ गया था, no problem. तुम सब लोग यहाँ आ गए क्या? खैर हाल चाल बाद में बताना, मैंने तो शादी भी कर ली है। हा? लड़की यहाँ रिसेप्शन पे काम करती थी, नो प्रॉब्लम, आजकल वो असिस्टेंट मैनेजर है और मैं मैनेजर। आई टेल यू नो प्रॉब्लम, डार्लिंग 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 कम ऑन, इनसे मिलो नो प्रॉब्लम, माय वेरी डियर फ्रेंड, सिंगापुर में एक साथ काम करते थे, एंड दिस इज माय वंडरफुल लवली ब्यूटीफुल वाइफ लीला।
नमस्ते भाभी। अरे तूने बताया नहीं तो यहाँ पे क्यों आया? मुझे कोई कमरा मरा चाहिए। अरे कमरा चाहिए तो मुझे पहले बोलना था ना डार्लिंग। ओहो, कमरे तो सारे भरे हुए हैं, माय गॉड। वो कुछ स्वीट्स थे वो भी भरे हुए हैं, कुछ वीआईपी आ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, मगर नो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए, नो प्रॉब्लम। वीआईपी गए भाड़ में। यू आर वीआईएफ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आई गिव यू वेरी स्पेशल स्वीट। टेरिफिक टेरिफिक डार्लिंग, स्पेशल स्वीट की चाबी चाबी चाबी। अरे 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 अरे, आई टेल यू व्हाट अ चाबी। लड़की फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर मेरे फ्रेंड के लिए। अरे तेरा लगेज कहाँ है? अरे लगेज गया भाड़ में, बाद में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई टेल यू, आई टेल यू, नो प्रॉब्लम। और मुझे तुम मियाँ बीवी दोनों की मदद चाहिए। अरे नो प्रॉब्लम यार, तुम क्या समझते हो कि तुम मदद मांगोगे और हम मदद नहीं करेंगे? अरे तुम मदद नहीं मांगोगे तो भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। आई टेल यू, तुम लीला और मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो। आओ आओ डार्लिंग आओ। अरे हम तो यारों के यार हैं, क्या जोड़ी है मेरी और लीला की। मैं कहता हूँ लोग हमको देखते हैं तो जलते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मेरे को लीला जैसी वंडरफुल वाइफ मिली विद नो प्रॉब्लम। शट अप यार, अपनी बातें करके मैं बोर मत करो। शट अप यार, नो प्रॉब्लम, इक्वल राइट। कुछ राइट इन्हें भी दो, इन्हें भी कुछ बोलने का मौका तो दो। ये किस लिए आए हैं, किस काम से आए हैं? थैंक यू, मैं अभी बता। भाई एक एड्रेस है, नंबर 7 भद्रकाली रोड, श्रीमती दुर्गा देवी कोई हैं। श्रीमती दुर्गा, दुर्गा देवी। अरे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी बेटी है रूपा जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। नो प्रॉब्लम। लेकिन वो अब यहाँ गिरीश क्लब की सेक्रेटरी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। अरे ये तब तो बहुत अच्छा हुआ, शिकार ढूंढने निकले थे और शिकार खुद ही सामने आ गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे यही तो लीला की खूबी है, इसी अदा पे तो मैंने शादी की है। अच्छा अभी यहाँ बैठो बैठो बैठो, मुझे बताओ कि तुम्हारे ब्रदर राम साहब कैसे है? साढ़े 4 रुपया। अबे मक्खन के बच्चे, आज तुम फिर दे जा रहे हो? लाला मक्खन तो दे से यार, पहले दूध फिर दही फिर मक्खन। बेकार जुबान मत चला, ये उधार चंद का होटल है, दुर्गा देवी का घर नहीं, जहाँ तुम बातों का मक्खन लगाकर किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। क्यों नाराज होते हो? अब मैं क्या बताऊं, एक जान और 100 जंजाल। कल तक तो मेरे जिम्मे सिर्फ एक ही काम था, दुर्गा देवी की बेटी के लिए लड़का ढूंढना, और अब एक काम मेरे सिर पर और लाद दिया। कहने लगी नौकर ढूंढ कर लाओ। अब मैं नौकर कहां से ढूंढ कर लाऊं? कोई नौकर वहां काम करने के लिए तैयार हो तब ना। इसी चक्कर में देर हो गई। बहुत अच्छा बहाना अच्छा बनाते हो, अगर देर से आए ना तो दूध बंद। ठीक है लाला, कल से वक्त पर ही आया करूं। जाओ दूध में रखो। अरे क्या हो गया? अरे रे रे, चोट तो नहीं लगी जी? अरे पहले गिरा दिया, अब पूछते हो चोट तो नहीं लगी जी? तो पैसा तेरा बाप भरेगा? देखा, बात हमार तो हार है, बाप को बीच में काहे लावत हो? बाप? अरे हम तेरे बाप के बाप को नहीं छोड़ेंगे। ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं, मेरा होटल है, यहाँ मारामारी करना मना है। अरे हम कहाँ मारामारी करत है, हम इका जी जी कह के बुलावत है, ये हमका गाली देवत है। और नहीं क्या तुझको प्यार करूंगा? मेरे इतना दूध गिरा दिया, अब जाकर बीवी को क्या हिसाब दूंगा? ये तुम जानो, जोरू मरद के बीच में हम नहीं पड़े। निकाल मेरा पैसा, 10 रुपया। होटल वाले सेठ तू ही इंसाफ करा, ये आदमी फिसल गवा, इवा हमारे क्या कसूर है? अच्छा तेरा कोई कसूर नहीं, रास्ते में टांगे फैला कर बैठा हुआ था ना? अरे हम तो ठहरा गांव का उज्जड़ गंवार, हमका जानी शहर में पाँव नहीं फैलावे है। पर तू तो शहरी बाबू है, जसवीस वाला, दू आंखें ज्यादा है तो का तू देख के चलना चाहिए। अरे दुकान बंद कर, सारे पैसा निकाल। देखा देखा देखा, गाली गलौज शरीफों का बना रही है, मुझको बदमाश कहता है। अरे मक्खन, इस तू तू मैना का क्या फायदा है? मैं तुम दोनों का फैसला करा देता हूँ, तुम लोग जाओ। देखो ये आंखें खोल कर नहीं चला, ये इसका कसूर। मेरा? हाँ, और इसने रास्ते में टांग फैलाई, ये इसका कसूर। ऐसा? हाँ, इसलिए आधा नुकसान तुम बर्दाश्त करो
और आधे पैसे तुम भर दो, पैसे दे दो 5 रुपए। क्या 5 रुपया? सेठ जी, हमारे पास फकर की 5 रुपल्ली है। हम गांव से शहर आए काम ढूंढने के वास्ते, ज्यादा भूख लग गई तो जरा सा नाश्ता कर लिया, इधर तोहर बिल 4.5 रुपए का। तू एक काम करा, ये 5 रुपल्ली ही का दे दो और नाश्ते के बदले में हमसे काम करवा ले। नहीं, नहीं, मुझे बिल के पैसे चाहिए, मेरे होटल में तो पहले ही काम कम और आदमी ज्यादा है। पर हम बड़ी इज्जत वाले हैं सेठ जी, किसी का उधार हम अपने सर पे नहीं रखे। तू वाले सेठ एक काम करा, तू ही हमका काम दे दे। अरे हाँ मक्खन, दुर्गा देवी को एक नौकर चाहिए ना, इसे वहां रखवा दो और जब इसे तनख्वाह मिले तो इसे पैसे भी ले लेना। ये काम क्या करेगा? जैसन बोलो, सीधा बोलो, सीधा कर देंगे, उल्टा बोलो, उल्टा कर देंगे। चलो मेरे साथ। लाला मेरी हंडिया संभाल कर रखना। हाँ हाँ। चलो जल्दी करो पहलवान, फिर तुम्हारे बाकी के 50 पैसे रख ले इसे। तुहार फैसला कराने की फीस। दुर्गा बहन, अरे देखो हम किसको पकड़ के लाए आपके लिए। अरे हम कोई जानवर है जो हमका पकड़ के लाए हो? हम खुद ही अपने पांव से चल के आए हैं। क्या है मखनलाल? दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, जय हो दुर्गा देवी की। अरे कौन है? दुर्गा बहन, आपके लिए बहुत ढूंढ कर लाया हूँ नौकर। नौकर? अरे नौकर हम किसी के बाप के नहीं, हम काम करने आवे, एक बार काम शुरू किया तो काम तमाम कर देंगे, पर एक शर्त है। शर्त? हो। कैसी शर्त? जितना खाएंगे उतना ही काम करेंगे। एक आदमी का खाना खिलाइयो तो एक आदमी का काम करेंगे एक हाथ से, दो आदमी का खाना खिलाइयो तो दो आदमी का काम करेंगे दो हाथ से। कहाँ से लेके आया है इस पागल को? पागल? अरे हम पागल नहीं, हम तो बड़े बड़ों को पागल कर दे रहे हैं। हमारा नाम रामू है, दुर्गा मैया। मैया? मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ जो तुम मुझे मैया कहता है? मैया नहीं तो और क्या कहे, ताता थैया। हम सच कहे तू हमका माता भवानी दुर्गा मैया। अरे हाँ तो मामा मक्खन। मामा? मुझे बाबा कहते हैं। ये मैं गलत का कहा? तू ही का बहन कहत हो, हम ही का मैया कहत है, मैया का भैया मामा। और फिर वैसन भी हमारा आदत है, जहाँ भी काम करत है अपना ही घर समझकर काम करत है, सबको प्रेम प्यार से बुलावत है, मैया भैया चाचा मामा। तो का पसंद नहीं तो फिर ठीक है, हम चलत है। अरे बाबा तुम्हें जो कहना कह लो, लेकिन जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहन अगर ये चला गया तो दूसरा नौकर नहीं मिलेगा, इसे रख लो। तनख्वाह क्या लोगे? पहले हमार काम देखा फिर दाम की बात करा। शांति, अरे ओ शांति। जाके सारा घर का काम समझा दे। ये मुनिया कौन है? ये हमारी मुनिया है शांति। ओ तो ये हमार मुनिया है। चल मुनिया काम शुरू कर दे। मम्मी। जी बेटा। देखो ये मुझसे नहीं खुल रहा है। क्या बच्चे हैं आजकल के, चाय की शीशी का ढक्कन तक नहीं खोल सकते। मैं खोल देता हूँ। नहीं खुलता है, बहुत जोर से बंद है। अरे कहा जोर से बंद है मक्खन मामा, तो मा जोर नहीं, खाई पी के हराम करत हो। ला हम कर दे। अरे ये फूल जड़ी तिड़ 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 काहे करत है? क्या कहा फूल जड़ी? अरे गुस्सा काहे करत हो गुड़िया? खबरदार जी मुझे गुड़िया उड़िया कहा तो और क्या कहे, तू इतनी सुंदर लागे है, इतनी सुंदर लागे बिल्कुल जापानी गुड़िया, हम तो का गुड़िया ही पुकारेंगे। माई है कौन? अरे घर में काम करने के लिए नया आदमी रखा है। मगर इतनी ढील नहीं देनी चाहिए कि किसी के भी मुंह लगे। अरे हमका कौन ढील दे रहे हैं गुड़िया, हम ही सबको ढीला कर दे रहे हैं। करो करो लगाओ सर। वाह वाह करो 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 चलो करो। वाह 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 आते मेरे मुंह पर कालक पोत दी। मामा मक्खन
कुसूर हमारा नहीं था, उसके ढक्कन का था, जोर से बंद था ना, जोर से खुल गया। अच्छी, अरे तो अपने मुंह का ढक्कन बंद कर, जा काम कर, जाके जा काम कर जाके। साले कहां से चले आते हैं? पुनेराने हमको काम दो, हम कुछ करके दिखावे। आज कोई काम नहीं, मैंने सब कर लिया। अरे तुम खुद ही किए जा रही हो और कह रही हो कोई काम ना ही। लाओ ये घेवा हम साफ करेंगे। ये काम मर्दों का नहीं औरतों का है। अरे ये औरत मर्दन का झगड़ा काहे को शुरू करत हो। उठा, देखो मुझे अपना काम करने दो। अरे हम भी तो काम ही करेंगे। उठा, हम कहा थे उठा, वरना हाथ पकड़ कर उठाएंगे। अब देखा मुनिया रानी कैसन कर था। अरे तू हंसे का है, हम तो रोटी पकाना भी जाने। हमारे बापू है ना, वो हमारे गांव के सबसे सयाने आदमी हुए हैं। वो कहत है अगर मर्द घर के सारे काम का जान ले तो उसकी औरत उसके साथ हमेशा खुश रहे। बात आई समझ में? नहीं हाँ। अरे हम समझ रही, हम ही महामूर्ख है, जिंदगी के हर चीज में पीछे रहत है। और तू तो हमारे से भी बहुत पीछे रह गई। ऐसा लागत है बाहर की दुनिया से तो हर कोई संबंध ही नहीं। अरे दुनिया में आजकल क्या होवत है जानत हो? क्या? नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है। मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है। मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है। चल रही है।
भी उठाई ली अब फौजी नारियों ने। हर देश औरतन की पलटन निकल रही है, हर देश औरतन की पलटन निकल रही है। मर्दन के पाँव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पाँव तले धरती फिसल रही है। नारी कुछ ऐसा आगे निकल रही है, नारी कुछ ऐसा आगे निकल रही है। मर्दन के पाँव तले धरती फिसल रही है, मर्दन के पाँव तले धरती फिसल रही है। बेटा मम्मी मेरी सैंडल कहाँ है? अरे मैंने शांति को बोला था वो साफ करने के लिए, मुझे अभी तक नहीं लाई। शांति मुझे देर हो रही है माँ। एक मिनट बेटा। अरे ओ शांति की बच्ची। आई माँ जी। एक दो जूती साफ करने के लिए तुझको इतना समय लगता है? सलाख दे नीचे और अच्छी तरह से पहना दे। चल उठा, चल उठा और परे हट। माँ आज मैं और लीला बाल मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं। चंदा? आज इस महंगाई के जमाने में कौन देगा चंदा? जिसके पास ही मांगने जाओगी वो कहेगा कि बाल मंदिर के लिए माल तो नहीं है, बाल ले जाओ। तो मेरा मतलब कि बाल बच्चे ले जाओ। ओहो तो चुप रहो, आज हम एक बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं। हाँ माँ, लीला ने बताया वो बहुत बड़ा दानी है और उसी की होटल में ठहरा हुआ है। अच्छी हाँ, मैं लेट होगी मम्मी, थोड़ा संभल के जाना बेटा। मम्मी बाय। बड़ी प्यारी बच्ची है मिस रूपा भार्गव। भेजो ठीक। आई जल्दी। थैंक यू सर। सत श्री अकाल। नमस्कार। आई नमस्ते। अच्छा तो आप हाई स्कूल बनाना चाहते हैं? जी। कितना चंदा इकट्ठा कर लिया आप? जी 3 लाख। और कितना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख हमारी तरफ से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। 1.5 लाख हमारे एस्टिमेट के मुताबिक हमें 1 लाख और चाहिए था, पर हमने आपसे 1 ही लाख मांगा था। उस वक्त चीजों की कीमतें कुछ और थी, आजकल कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसलिए 50 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। आप कितने महान हैं, खुले शब्दों में धन्यवाद करें। कोई बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार। नेक्स्ट। हाँ हेलो। हाँ कॉल फ्रॉम दिल्ली। यस सर, पुट मी थ्रू। ओके बाय बाय। बाय बाय। वेयर इज द चेक सर? यू वांट चेक बैक? ये बाबा बाहर बोला था कि नहीं? चेक मेरे को चाहिए वापस। ऑलराइट भाई, 100 रुपए आपके बच्चों की मिठाई के लिए। अरे भाई हम आपसे कह चुके हैं। हाँ भाई वही कह चुके हैं ना कि 5-10 लाख रुपए के लिए सौदेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई वो 30 लाख रुपए मांगते हैं तो 30 लाख रुपए दे दो ना, लेकिन जमीन हमें जरूर चाहिए, समझे? अच्छा नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हाँ स्वामी भारती आनंद जी। जी आपको 50,000 रुपए चाहिए? जी। क्यों? भगवान का मंदिर बनाने के लिए। भगवान का मंदिर बनाने के लिए? जी। भगवान जिन्होंने सारी दुनिया बनाई है, जो हर चीज के मालिक हैं, जी। उनके पास रहने को कोई घर नहीं, आप लोग उनके लिए घर बनाना चाहते हैं? जी। ये मेरा मतलब क्या है? तुम लोग भगवान को भिखमंगा बनाकर अपना पेट भरना चाहते हो। गेट आउट। आई से गेट आउट। जी गेट आउट। ये है मिस रूपा, यहाँ के लेडीज क्लब की सेक्रेटरी और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। मेरा नाम लीला है। कितनी डांट खाई है मैंने? 500 रुपए लोगे गड़बड़ हो गए पूरे। ना मैं तो 500 रुपए लेके जाऊंगा। ना 500 रुपए लेके जाऊंगा। 800 रुपए लेके जाऊंगा।
हम लोग हर साल चंदा इकट्ठा करते हैं बाल मंदिर के अनाथ बच्चों के लिए, उन्हें कपड़े और किताबें लेके देते हैं, और इसी सिलसिले में हम आपसे मदद मांगने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा काम, वेरी गुड, गुड इंडीड। हर साल कितना खर्चा होता है? करीब 5,000 रुपए, उसमें से कुछ रकम हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। 5,000? संस्था का क्या नाम है? लेडीज क्लब चिल्ड्रंस फंड। लेडीज क्लब चिल्ड्रंस फंड। मैं आपको 25,000 रुपए दे देता हूँ, ये लीजिए। 25,000? थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये रकम पूरी आप इस साल मत खर्च कीजिएगा। हाँ देखिए, अगर ये रकम आपने खर्च कर दी तो अगले साल फिर चंदे के लिए आप इधर उधर भटकती रहेंगी, तो बेहतर यही है कि इसमें से जो बैलेंस रह जाए वो आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, और उसके सूद से हर साल इत्मीनान से बच्चों की मदद करती रहें। ओके, ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। क्या देखिए यार, इस चेक में उसकी शक्ल नजर आ रही है क्या? मैं तो हैंडराइटिंग देख रही थी, देख कितनी खूबसूरत है। और इसे लिखने वाला भी कम खूबसूरत नहीं है? और उसका भी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ? बड़ी बात निकली यार, पहली मुलाकात में उसके दिल की जरा तो पूछ ली। चला, तुझे तो हर बात में मजाक सुझता है। देख यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तेरी कसम। सचमुच तुम दोनों की जोड़ी खूब रही। वो दिल का भी अच्छा है, हैंडसम भी है, और बहुत मालदार भी है। जानती है उसका बाप रामनगर का राजा था? तू तो आसमान के तारे तोड़ने की बात करती है, कहाँ वो कहाँ। चल। अरे मैं तो कहती हूँ मेरा रामू नहीं होता तो यह घर एक दिन भी नहीं चलता। तू समझती है घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, थोड़ा सा खाना बनाती है, तो बहुत बड़ा टीम आती है। ये काम तो 2 टके की नौकरानी भी कर सकती है। ये क्या बदतमीजी है? हमसे किसी का रुबाब ना देखा जा रहा है। दुर्गा मैया, इस घर में जो काम करे उसकी कोई इज्जत नहीं, और जो काम न करे वो अपने आप को बड़ी इज्जत वाला समझे। क्या? हाँ, ये मामा मक्खन भरे बाजार में हमको एक एक करके पुकारे। और ये क्या मक्खन? मैं इसको समझा दूंगी। पहले तू इस बोरे को यहाँ से उठा। हम नहीं उठाएंगे। हम तो पहले ही रोज कह दिया था, जितना खिलाएंगे उतना ही काम करेंगे। खाना बकरी का और काम करा रहे हैं। अरे तू तो हाथी के बराबर खाता है, वो भी दिन में 3 दफे। हाथी के बराबर? ये तो हर मुनिया रानी है, हमको भूखा मारे हैं, खाना ऐसे दे रहे हैं जैसे चिड़िया को चोगा। अब हम यहाँ नहीं रहे। अरे नहीं, हम जा रहे हैं। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा? शादी करेंगे। शादी तू करेगा? अरे बैठ, झक मारी थी। हम भी मारेंगे। बोलो दुर्गा भाई, तो हमारी शादी कराई देंगे ना? हम बोलो नहीं तो रुकेंगे। मैं तो रामू जी की हमला। अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो उसको, मक्खन मेरा इसको पकड़ लेंगे। पागल चले गए। रुक जाओ, नहीं पहले दुर्गा मैया से कहो हमारी शादी करवा दे। अरे बाबा, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मक्खन लाल, इसके लिए एक लड़की देखो। इसके लिए इस शक्ल को लड़की देगा कौन? हमारा शक्ल तो हर शक्ल से ज्यादा मनहूस है। अरे जिसने धोखा रो के लड़की दी है वो हमका हंस के लड़की देगा। क्यों लगा रही है? बात पक्की ना? हाँ बाबा। जय दुर्गा मैया। नहीं नहीं, मुनिया रानी। ओ मुनिया रानी, पेट में चूहा दौड़त है, तू भी आजा दौड़ के, जल्दी खा ला। ढेर सारी रोटियां और पतीली भर के आलू की सब्जी। अरे मुनिया रानी, हम तो यूं ही दुर्गा मैया का तमाशा देखने के लिए मजाक कर दिया था कि मुनिया रानी हमका पेट भर के खाना नहीं दे रहे हैं। तू तो सचमुच बुरा मान गई का? मैं कौन होती बुरा मानने वाली? हाँ, तभी तो हमसे इतनी हंस हंस के बात करत है। अरे ये सारा खाना हमका दे दिया, अपने लिए कुछ बचा? हाँ रखा है। किधर है दिखाओ? बोला ना है, तुम खाओ। अरे खाना हम बाद में खाएंगे, पहले हमारी तरफ देखो।
हम तो सकल देखते ही ताड़ लेते, तुम झूठ बोलत हो। ये लो। हाँ। नहीं खाओगी। तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। जानते हो इस तरह अन्न छोड़कर उतना पाप है। पाप तो हर सर पे लगेगा, हम का हम तो तैयार है खाने को। ओ मुनिया रानी, तो अभाव तक हमसे नाराज है? हा? देख, हम भले तोहार कोई ना हो पर तोहार और हमार बिरादरी तो एक हो। जैसन तोहार माँ नहीं वैसन हमार माँ नहीं, जैसन गरीब तू वैसन गरीब हम। तू क्या सोचते है तोहार आंखों में आंसू देखकर हमका तकलीफ नहीं हो? मुनिया रानी तू दिल की बड़ी अच्छी है, तोहार सबर और भोलापन देख के हमारे दिल कहत है भगवान एक दिन तो का इतना सुख देगा, इतना सुख देगा कि तू अपने सारे दुख के दिन भूल जाएगी सपने की तरह। ये ले। मिल गई, जरा मदद कीजिए ना हमारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा सेलेक्ट करें सूट के लिए। प्लीज हेल्प मी। थैंक यू। वो वाला दिखा। ये नहीं नहीं ये देखो। देखिए ये आपने खूब जचेगा। हाँ क्या बात है आपके टेस्ट भाई, फूड सिलेक्शन। थैंक यू। एक सूट लिंक का चलिए। हाँ आप कुछ नहीं खरीदेंगे? बस एक आधी साड़ी खरीदी, बिल देना। अरे क्या हुआ? निकल तो पैसे रखे थे तो अपनी नहीं। अरे बाप रे, पैसे तो मैं भी नहीं लाई, उसने तो बिल भी काट दिया है। अगर हम कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तो इंसल्ट हो जाएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल मैं दे देता हूँ। मैं साड़ी का लेके ले जाऊँ? क्या हुआ, एक ही बात है, पैसे ना देना। नहीं ओह आप तो खाम खा तकल्लुफ कर रही हैं, ऐसी क्या बात है? तो जब बिल बनाइए। कितना है जी? हाँ गुड़िया रानी आएगा। आ बेटिया। आ गई बेटी। हाँ मामी तुम जाओ। गुड़िया रानी दुर्गा मैया हमारे। शट अप, तुम्हें हजार बार मना किया कि मुझे गुड़िया उड़िया मत बोला, मुझे पसंद नहीं। गुड़िया रानी ये तुम्हारे नाक पर हमेशा मक्खी क्यों बैठी रहे? नहीं नहीं सचमुच की नहीं, गुस्से की। मैं काम करा, तू मिर्ची की चटनी कम खाया कर, दिमाग ठंडा रहे। मामी रामो तू चुपचाप अंदर जा अपना काम कर। बड़ा उठा। चल चल उठा। चलो मामा हाथ बढ़ा। चल ना। क्या लेके आयो बेटा? सारी मम्मी। ओ मम्मी आज मुझसे भूल हो गई। हाँ साड़ी की दुकान पर तो मैं गई और रुपए के लिए जो पर्स खोला तो देखा उस पर रुपए थे ही नहीं। कैसे? शायद घर से ले जाना भूल गई थी। मगर फिर तुम ये कैसे लेके आई? उस दिन जिस आदमी ने 25,000 चांदा दिया था ना, वो अचानक दुकान पर आ गया और उसी ने बिल चुका दिया। मगर ये तो तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। कल याद करके पैसे ले जाना और उसे वापस दे देना। I'm sorry, मम्मी। ओके मम्मी। हाँ जी थी रोज। शांति। अरे ओ शांति की बच्ची, अरे ये कंबल ओढ़े कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रही है तू? सुबह को अच्छी खासी थी, अब क्या हुआ? तेरी हड्डियों में पानी भर गया है क्या? अरे दुर्गा भैया
तोहर जो भी काम हो हमका कह दे, हम कर देंगे। बेचारी को बुखार है। इसने कह दिया और तुमने मान लिया। अरे तुम नहीं जानते कितनी काम की है। जहाँ इसको ये मालूम होता है कि कोई और काम करने वाला है तो फट से खटिया डाल के लेट जाती। चलो उठ, सीधी तरह उठ। खबरदार उठी तो टांग तोड़ लूंगा। अरे तू कौन होता है हुकुम जताने वाला? हुकुम तो त्योहार चलता है दुर्गा भैया, हम तो फकत अकल की बात कर रहे हैं और वो भी त्योहार तरह से। हाथ लगा के देखो बदन कैसे ठोक रहा है। अरे ये तो बदहजमी का बुखार है, सारा घर का खाना ये अकेली खा जाती है। डॉक्टर बाबू तो कहते हैं कि ये का कमजोरी का बुखार है, अभी आराम करेगी तो दो रोज में ठीक हो जाएगी और अगर अभी उठेगी तो दो महीने लगेंगे। सोच लो दुर्गा मैया, दो महीने तो क्या करेगी? इसका मतलब है ये दो दिन के लिए मुझे को खाना पकाना पड़ेगा। अरे तो का काम ही चाहिए नहीं का जान तो नहीं। सारा काम हम कर ले। तुम खाना भी बनाना जानते हो? हम सब जानते, तू बेफिक्र। ठीक है मगर किस तरह से काम करना? अरे तो फिर बैठे। मैं अपना काम खुद करूंगी। तो हर काम हम करेंगे, तू चुपचाप लेटी रहे। मेरा काम तुम अपने साथ क्यों ले रहे हो? आखिर मैं तुम्हारे कौन लगती हूँ? ये जन्म का तो हम नहीं जाने, पर पिछले जन्म मां तू जरूर हमार कुछ होती होगी। काम का है? मुझे पिताजी के तस्वीर के सामने दिया जलाना है। तू इधर से हाथ जोड़ ले, दिया हम जलावत है। ऐसा देवता पुरुष का आशीर्वाद, ये बहाने हमका भी मिल जाएगा। अच्छा अब एक काम करा, ये दवाई का चरणामृत समझकर गटाक से पी जा। ला, पिया? हाँ। अरे ये असोन की बरखा का है? मुझे ये भी होश नहीं था, माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। जब मेरी माँ चल बसी उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। वो मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन छोटी माँ के डर से उन्होंने कभी मुझ पर प्यार नहीं जताया। मेरी किस्मत ही खराब थी, मैंने कभी ममता और दया के शब्द नहीं सुने। अरे तू तो बिल्कुल बच्चों जैसन बात कर रहे थे, इसलिए पहले दिन हम तोका मुनिया कह के बुलाया। अरे मुनिया जी के पास दिल होगा ना, उका तो पे तरस जरूर आएगा, तो फिक्र मत कर। सो जा, आराम कर। लीला, हाय रूपा। हाय। मेरा एक काम कर दे, ये रुपया उन्हें वापस कर। ना बाबा ना, ये मेरा काम नहीं। क्यों यार, उसने दिए तुमने लिए, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तू उसे खुद ही जाके दे दे। नहीं नहीं सुन ना, मुझे जरा, मैं मुझे जरा क्या मुझे मुझे कर रही है? वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी ना, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। आज वहाँ कोई भीड़ नहीं। क्यों? तो ऊपर जा ही रही है ना, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। क्या ना मैन हेलो। हाँ लीला भाभी वो आ गई। अरे वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ। मैं रूपा हूँ, आपके रुपए लौटाने आई हूँ। रख दीजिए यहीं कहीं। क्या हुआ?
तबीयत ठीक नहीं है। दर्द से सर फटा जा रहा है। ये बाम लगा लीजिए ना। बहुत लगाई। तो सर दर्द की कोई गोली ले लीजिए। वो भी काम नहीं करती। फोन करके डॉक्टर को बुला। डॉक्टर भी आया था, इंजेक्शन देकर चला गया, मगर कोई फायदा नहीं। कोई मेरा सर दबा दे जरा। सर दबाने से दर्द ठीक हो जाएगा? बहुत पुराना दर्द है, जब कभी आता है बिना दबाए नहीं जाता। आप कहे तो मैं सर दबा दूं? आप क्यों तकलीफ करती? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे अच्छा। कुछ आराम हुआ? आराम हो रहा है, मगर आप दबाती रहिए, दबाती रहिए। आपके हाथों में तो जादू है। दबाइए ना। अरे नहीं नहीं, हाथ मत हटाइए। दबाइए ना। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। दर्द दूर कर दीजिए। Thank you.
का यहाँ काम मिल गया है दुर्गा देवी का घर में। लिखा यहाँ खाने को बहुत मिलत है, खूब मिलत है। कपड़े लते मिलत हैं, और फिर मालकिन बोली वो हमार हाथ पीले कर देंगे। ईमा हंसने की का बात, हाथ पीले लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं। हम का जाने, पहले कभी शादी की हो तो मालूम हो। हमारे खानदान में आखिरी शादी हमारे बापू ने की, कोई बखत हम पैदा ही नहीं हुए थे। अब लिखा ना, तुम बोलोगे तो लिखूंगी ना। लिखा यहाँ एक बहुत ही अच्छी छोरी है, छोरी क्या गुणों की बोरी है, नाम है उसका मुनिया रानी। तुम मेरा नाम क्यों बीच में ला रहे हो? हमार चिट्ठी है, हमार जी में जो भी आएगा हम लिखवाएंगे, तुम बाप बेटे के बीच मत बना। लिखा बोलो। मुनिया रानी को हमसे बहुत वो है। वो मतलब? वो मतलब वो बस हमने फैसला कर लिया है, एक हाथ से दुर्गा मैया का पांव पकड़ लेंगे और कहेंगे हमारे दूसरे हाथ में मुनिया रानी का हाथ दे दो। ये गलत बात है। ये माँ गलत का है, कोनो लड़की से ब्याह करना गलत है का? लेकिन तुम्हें मुझसे भी तो पूछना चाहिए कि मेरी मर्जी क्या है। अरे तुहार मर्जी तो हम जानत है, क्यों लिखा? नहीं लिखोगी? तो भी ठीक है, हम इस घर को छोड़ के जावत। क्यों? जब मुनिया रानी नहीं राजी तो हम यहाँ क्या करेंगे? तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ मेरे कारण ठहरे हो? और का, हम यहाँ पेट भरने के लिए ठहरे हैं, वो तो कहीं ना कहीं गली का कुत्ता भी भर लेते हैं। तो क्या तुम सच में? हाँ, हमार बात खत्म लिख दो तो हम यहाँ ठहरेंगे। दुर्गा बहन क्या बात है? लड़की गई हाथ से। क्या बात है? अरे इस तरह आंखें बंद किए बैठी रहोगी तो घर से भी चली जाएगी। मगर बात क्या है दरअसल वो तो बताओ। अरे वो जो दानवीर करण बैठा ना होटल में, उसने 25,000 चंदा क्या दिया, लड़की पर फंदा डाल दिया। रूपा को बगल में दबाए, सारे छुपे घूमता फिरता है। अगर ये बात सही है तो ये लड़की तो मेरी नाक कटवा देगी। अरे मामा तू कुछ मिर्च मसाला ज्यादा ही मिलावे है, हर बात को उल्टा सुल्टा कह के सुना रहे। तुम चुप रहो जी। अरे भाई एक कुंवारी लड़की किसी गैर मर्द के साथ घूमती फिरे तो क्या अच्छा लगता है? अरे भाई कुंवारी नहीं तो क्या ब्याहता घूमेगी, उसका खाविंद उसकी टांग नहीं तोड़ देगा? अरे ये लो आगे गुड़िया रहे। हेलो मम्मी। रूपा जी मम्मी यहाँ कहाँ गई थी तुम? पिक्चर। किसके साथ गई थी? लीला के। झूठ मत बोलो। 25,000 रुपए वाले लफंगी के साथ गई थी, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। किसने कहा ये सब? अरे और कौन कह देगा, इस सारे शहर में लगाई बुझाई करने वाला एक ही तो होवे है, मामा मखनिया। तुम चुप रहो। मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, उसे तुम्हें क्या? माँ उस दिन आपने कहा था ना वो रुपया लौटाने के लिए, मैं वही गई थी। रुपया लौटाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो बाद में सुनने में आया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज से इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती हो। मम्मी मगर मैं जवान हो, कुंवारी हो, इस तरह से घूमती फिरोगी तो तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा? अरे ईमा कौन का कहाँ झगड़ा है, गुड़िया रानी से ही पूछ लो, अगर ईको वो छोरा पसंद है तो उसके साथ ही का ब्याह कर दो। रामू मैंने रूपा के लिए एक बहुत बड़े खानदान के लड़के को देखा हुआ है, कुछ ही दिनों में वो लोग इसको देखने के लिए आने वाले हैं। ओ ये बात है का, हम का जाने। गुड़िया रानी दुर्गा मैया तो हर रिश्ता कहीं और पक्का करते है, और तू कहीं और अंतर संतर करते है, जरूरत एक दुल्हे की है, दूल्हे को हम कहा करेंगे? बोलो दुर्गा मैया ठीक कहा थे, आज से तो हर बाहर जाना बंद। शट अप, तू बाहर से जा, आज से तू बाहर नहीं जा सकती है। रामू तू इसका जिम्मेदार है। अरे दुर्गा मैया जिम्मेदार क्या, पहरेदार कहा। गुड़िया रानी जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में। Hey!
खेल मैंने शुरू किया, बाजी ये कमबख्त ले गया। राम और लक्ष्मण दोनों के खत आए। अच्छा, लिखा है जिस काम के लिए गए हैं बहुत जल्द बन जाए। क्यों नहीं, दोनों बड़े तेज हैं। मालिक आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटों को सफलता मिले। अरे तुम, मुनियारानी, ओ मुनियारानी, मेहमान आवे हैं, कहत है बहुत जरूरी काम है, आए के देखा। हम मिस रूपा से मिलने आए। लगत है गुड़िया रानी की रिश्ते की बात है। माँ जी बाहर गई, आप बैठे ना। अरे बाहर गई हैं तो अंदर भी आ जाएंगे, तू के लिए नाश्ता तो ले आ। अभी नहीं। भाभी बहुत अच्छी। अरे हाँ गुड़िया रानी, कोई गुड्डा राजा तो का मिलने आया है। अरे ओ गुड़िया रानी, कितनी बार तुमने मना किया। तुम हेलो रूपा रानी, चलो बाहर चलो। अरे जइयो कैसे, बीच मार रामू जी जो खड़े हैं। रामू तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, थोड़ी देर के लिए जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो का बाहर जाने का हुक्म नहीं। हाँ एक बात है, गुड़िया रानी बाहर नहीं जा सकत, पर गुड्डा राजा चाहे तो ऊपर जा सकत, इस बारे में कोई हुक्म नहीं। चलो, अरे चलो ना। बाग की बत्तियां काहे तो छुपा गए हो। कौन, छोटे भैया? छोटे भैया, हाँ हमारा मतलब है वो हमारे रिश्ते में छोटे भैया ही तो लागे हैं। गुड़िया रानी का हाथ पकड़ने आए हैं और गुड़िया रानी तो छोटी है। हमने उनका ऊपर भेज दिया। ऊपर भेज दिया? हाँ। अरे अरे सुनो, तुम कहाँ जावत हो? ऊपर। काहे को? वही दोनों आपस में प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, तुम बीच में काहे को घुसत हो? माँ जी को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेंगी वो। अरे इसमें बिगड़ने की क्या बात है, वो तो उल्टा बहुत खुश होगी। बेचारी कितनी परेशान रहती है दिन रात, गुड़िया रानी को कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता। ऊपर वाले से प्रार्थना करो ये मामला पक्का हो जाए। देखने में गुड्डा राजा बिल्कुल शहजादा लागे। हमारी रूपा भी किसी शहजादी से कम नहीं। अगर वही शहजादी है तो फिर शहजादी की बड़ी बहन। हमका तो तू शहजादी लागे था। हटो। एक महल माँ छम छम करती रहती दुई सहजादी, एक हो तन की सोने जैसी दूजी मन की चांदी। एक महल माँ छम छम करती रहती दुई सहजादी, एक हो तन की सोने जैसी दूजी मन की चांदी। एक महल में छम छम करती रहती दो सहजादी, एक है तन की सोने जैसी दूसरी मन की चांदी। एक सुरीली बांसुरी जैसी पंचम सुरमा बोले,
एक सुरीली बांसुरी जैसी पंचम सुरमा बोले, दूसरी हमरे मन मा चुपके मध्यम सुरमा बोले। पहले हमका घर ले जाओ, पहले हमका घर ले जाओ, पहले हमका घर ले जाओ, हम है घर की बांदी। एक हो तन की सोने जैसी मुझे मन की चांदी, एक महल में चम चम करती रहती दो शहजादी, एक है तन की सोने जैसी दूसरी मन की चांदी। बड़ी तीखी नखरीली हर बात में फूफा बोले, ओ, एक बड़ी तीखी नखरीली हर बात में फूफा बोले, गुज कुछ ऐसी सर मिल मुश्किल से हुआ बोले। हमको हुआ भली लगे, हमको फूफा भली लगे रे, हमको हुआ भली लगे, तुम ले जाओ फूफा आधी। एक है तन की सोने जैसी दूसरी मन की चांदी, एक महल माँ छम छम करती रहती तुई सहजादी, एक हो तन की सोने जैसी दूजी मन की चांदी। दो भाइयों जैसे आए राजकुमार, एक दफा दो भाइयों जैसे आए राजकुमार, दोनों समझे जीते बाजी दोनों गए दिलहार। बिन माला के हुआ स्वयंवर, बिन माला के हुआ स्वयंवर, बिन माला के हुआ स्वयंवर, बिन स्वयंवर की शादी। एक है तन की सोने जैसी दूसरी मन की चांदी, एक महल मा छम छम करती रहती तुई सहजादी, एक है तन की सोने जैसी दूसरी मन की चांदी। अरे मखनलाल, ये ऊपर से आवाज कैसे आ रही है? वो भी किसी मर्द के हंसने की, खुशी माँ हंसते हैं। मगर कौन? अरे दुर्गा मैया, कोई गुड्डा राजा आया था अपनी गुड़िया रानी को मिलने, हमने उसका ऊपर भेज दिया। अभी वो बेपैंदे के लोटे, क्या तेरी दुर्गा बहन ने इसलिए पैरे पे बिठाया था? अरे हमका कोई गलत पहरा दिया, दुर्गा मैया ने कहा था गुड़िया रानी नीचे नहीं जा सकती, ये तो नहीं कहा था कि कोई गुड्डा ऊपर नहीं जा सकता। क्यों दुर्गा? मैंने ये थोड़ी कहा था किसी अरे घरे मत को लड़की के कमरे में भेज दो। अरे तू हमका कोई बच्चा अकल का कच्चा समझे तो? वो कोई अहरा गहरा नहीं है, तू ही ने तो उस दिन कहा था किसी बड़े घर का लड़का अपनी गुड़िया रानी को देखने को आएगा। क्या बाका तिरछा जवान है, हाथ पांव का भी तगड़ा कोई था। रूपा, रूपा बेटी, देखा देखा दुर्गा भैया, हम ठीक कहे न, गुड्डा ऐसा लागे जैसे गुलाब का फूल। अरे इसने तो हमारे सर पे डाल दी दुनिया भर की धूल। दुर्गा बहन, ये वही मुस्तंडा है जिसका मैंने जिक्र किया था। क्या? उतरा नीचे। रामू, इसको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। जरा तमीज से बात कीजिए। रूपा हमारे बुजुर्ग ठीक ही कहा करते थे, शादी के लिए हाँ करने से पहले लड़की को नहीं लड़की की माँ को देखना चाहिए, और तुम्हारी माँ से मिलने के बाद हमारा ख्याल है कि हमारी शादी तुमसे ना हो सके। खबरदार दुर्गा मैया के बारे में कुछ मत कहा,
बिटिया से प्यार करत हो और मैया को कोसत हो। मम्मी ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा। तुम चुप रहो गुड़िया रानी, बच्चा माँ अकल हो तो मैया खसम क्यों करे। हमार मतबल है घर में बड़े बुजुर्ग हो ही किस लिए है, जो भी बात होगी उसका फैसला दुर्गा मैया करेगी। क्यों दुर्गा मैया? बिल्कुल हाँ। गड्डा राजा तने को धराओ। ये लाठी देखो तो हम कहां थे तने को धराओ। बैठा। अब सुनाओ तुहार कहानी। कौन हो तुम, कहां के रहने वाले हो, का नाम है तुहार? अरे तुम कौन होते हो पूछने वाले? अरे वाह, बड़ी जल्दी भूल गया हम कौन है, जब ऊपर भेजा था उई बखत ये सवाल नहीं पूछा था। नहीं, वो अलग बात थी। अच्छा खैर, अगर बता भी दें तो तुम क्या कर लोगे? अगर अच्छा लगा तो बड़ी धूमधाम से तुहार शादी करवा देंगे, और अगर अच्छा नहीं लगा तो मार मार के कचुमर बनवा देंगे तुहार। तबाह। अच्छा तो सुनो, हम हैं रियासत रामनगर के राजा साहब के इकलौते बेटे राजकुमार लक्ष्मण सिंह। राजकुमार? हाँ मम्मी। आप राजकुमार हैं? तब तो हमका माफी दे दो। दुर्गा मैया हम सबसे बड़ी भूल हो गई। अरे किसी ने कह दिया कि हम राजकुमार हैं तो राजकुमार हो गए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो हर बात हम समझ गए मामा, क्या सबूत है तुम्हारे पास, दिखा इनका। सुनो, तुम हमारे साथ अपने शहर के कलेक्टर के पास चलो, तुम्हें पता चल जाएगा हम कौन है और क्या है, और उसके बाद वो तुम्हें तो जेल भी। नहीं, हमारे मामा मक्खन को माफी दे दो सरकार। मामा मक्खन काहे को जेल में मरना चाहते हो? हटा हटा। हाँ तो गुड्डा राजा हो गया, हमका यकीन हो गया तुम राजकुमार। क्यों दुर्गा भैया है? हाँ खोर जी। शाबाश गुड़िया रानी, तूने हमारे दुर्गा मैया के लिए बहुत अच्छा जवाई ढूंढा है। लेकिन दुर्गा बहन वो। अरे तुम चुप रहो ना मामा, हम जानत है तो का मन में का बात है, हम वही तो करत है। हटा। हाँ तो गुड्डा माफ कीजिए राजकुमार साहब, समझ गया ये बात पक्की हो गई, दुर्गा मैया ने तो का पसंद कर लिया है। पर का ये जानना जरूरी नहीं कि तुहार बापू राजा हमार गुड़िया रानी को पसंद करत है या नहीं। क्यों दुर्गा मैया, ये जानना जरूरी होवे ना? बहुत जरूरी है। हाँ तो एक काम करा, चिट्ठी लिख के अपने बापू राजा को यहाँ बुला लो, और दुर्गा मैया से आमने सामने बात हो जाएगी तो बात पक्की हो जाएगी। क्यों मामा, यही बात थी ना तुहार मन में? यही बात थी ना? अरे कुछ तो बोलो मामा। अरे सब कुछ तो तुम ही बोल रहे हो, अब मेरे पास क्या धरा बोलने के लिए। अच्छा रुको, मैं गुड़िया रानी, जब तक दोनों बुजुर्गों की आपस में पूरी बात ना हो जाए तुम राजकुमार साहब से ना बात कर सकत हो ना मुलाकात कर सकत। अच्छा रानी। वाह रामू वाह, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते आए और शेर बनकर बैठ गए इस घर में। तुम शेर की बात करत हो? अरे आगे आगे देखा, शेर का सवा शेर हो जाएगा मामा मक्खन। जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ इधर उधर से? क्या सुन रही हो? दुर्गा देवी ने रूपा का रिश्ता कहीं और जमाई दिया, वो अपने पड़ोसन गीता मेम साहब है ना, वो बोले आज लेडी क्लब में बड़ी चर्चा हो रही थी। अरे रिश्ता तो कई बार तय हुआ लेकिन आज तक सिरे चढ़ा। जब तक तेरा मक्खन जिंदा है वहाँ कोई अपनी रोटी नहीं चुभड़ सकता, तू देखती तो जा। चिट्ठी आई है, हमारे मन कहा थे ये जरूर राजकुमार के बाबू राजा साहब की होगी। दुर्गा बहन नमस्ते। अरे मामा मक्खन चिट्ठी आई है, जरा पढ़ा। किसकी चिट्ठी है? रामनगर। राम कहा था ना, पढ़ा पढ़ा जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? श्रीमती दुर्गा देवी, समाज में आपका क्या स्थान है और शहर में आपकी कितनी इज्जत है हम अच्छी तरह जानते हैं। शायद हमारे बेटे को अभी तक मालूम नहीं। नादान है। आपके घराने से रिश्ता जोड़ना अपने माथे 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 की बात क्या लिखा है? पढ़ू? जल्दी पढ़ो। पढ़ाना।
माथे पर कलंक का टीका लगाने वाली बात है। हा? आपकी बेटी हमारी बहू तो क्या हमारे घर की नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं। अगर आपने हमारे बेटे को पहला फुसलाकर शादी के लिए राजी कर लिया तो वो वापस हमारे घर में कदम नहीं रख सकता। उसे अपनी जायदाद और धन दौलत में से एक पैसा भी नहीं देंगे। दशरथ सिंह, राजा रामनगर। अरे इसने तो हमारी नौकरी कट कर रख दी। दुर्गा बहन, मेरा ख्याल है इसमें भी कोई भलाई है। अरे क्या हाँ भलाई है, बना बनाया काम बिगड़ गया। अच्छा खासा लड़का हाथ से निकल जाएगा। अरे कैसे निकलेगा दुर्गा मैया, गुड्डा राजा से हम बात करेंगे और ये शादी करके ही दिखाएंगे। अरे क्या करके दिखाएंगे, अरे चिट्ठी में राजा दशरथ सिंह ने हमारी वो बेइज्जती की है कि हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। अरे चाहे आकर नाक भी रगड़े फिर भी नहीं देंगे। अरे तुम क्या समझते हो क्या हमारी बेटी के लिए कोई वर नहीं है? दुर्गा बहन, मैं इससे भी अच्छा वर ढूंढ कर लाऊंगा। अरे तुम भी क्या मामा मक्खन, जहां भी जरा सी चिंगारी दिखाई दी पंखा घुमाए के आग बना दे तो। अरे हमें बिगड़ी हुई बात तो बनानी चाहिए या और बिगाड़नी चाहिए? हमारे वास्ता गुड़िया रानी के मरद से, उसके ससुर जी से नहीं। एक बार लौंडा हाथ में आ जाए फिर ससुर बैठा अपने घर में बीन बजाता रहे, क्यों करना भैया? हाँ इलाज है सर। अरे चिट्ठी मिली सुना, एक पैसा नहीं देंगे जायदाद में से और घर में कदम भी नहीं रखने देंगे। तो और भी अच्छा है, गुड़िया रानी शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर ये घर सुना सुना हो जाएगा। इतने बड़े घर में हमारी दुर्गा मैया बेचारी अकेली रह जाएगी और फिर घर में कोई मरद भी तो ना आएगी। शादी के बाद अगर दोनों यहीं रहेंगे तो दुर्गा मैया के लिए तो सुखी सुख है। लेकिन एक बात है, बात ये है दुर्गा मैया, सारे शहर में ये बात फैल चुकी है कि हमार गुड़िया रानी का ब्याह रामनगर के राजकुमार के साथ होने को है। अब अगर ये ब्याह न हुआ तो हमार इज्जत का रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे? दुर्गा मैया, लोग यही कहेंगे हमार गुड़िया रानी में जरूर कोई ऐब है। अरे यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ, अब क्या होगा? तू फिक्र ना कर दुर्गा मैया, तू फिक्र ना कर, तुम्हारे आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। हम अभी जाके गुड्डा राजा को, गुड्डा राजा आ रहे हैं, गुड्डा राजा आ रहे हैं। अरे क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो का भी बापू की चिट्ठी आई है। ओ बापू की चिट्ठी हमका भी आई है, क्या है कि सारे बड़े बुजुर्गों की आदत है फुजूल में अडंगा लगाने की, शुरू शुरू में बड़े सख्त हो हैं, बाद में ढीले पड़ जा रहे हैं। हम भी देखा थे तो हर बाबू तो के बगैर कब तक रह सके, तब तक तू यहीं रह। हाँ बैठा। अरे बैठे क्यों, तू खड़ा है। दुर्गा मैया तू ही का समझाओ, नादान है बचवा है। मैं क्या समझाऊंगी कुंवर जी को, अगर ये मेरी रूपा से शादी के लिए हाँ कह दे और यहीं रह जाए तो मैं तो इनके चरण धो के पीऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन घर जवाई बन के रहने में आदमी की इज्जत नहीं रहती, लोग बातें बनाते हैं। हाँ, ये हुई ना इज्जतदार आदमी की बात। अरे किसकी मजाल है इनके बारे में बेइज्जती की बात करे, पत्ती सी निकाल कर हाथ में रख देंगे। मगर लोग सामने थोड़ी बात करते हैं। अरे पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, पर कौन गलत है? दुर्गा मैया तू ही के साथ बात करा ना, जवाई राज बेचारे झिझके। इसमें झिझकने की क्या बात है कुंवर जी, ये घर आपका है और ब्याह के बाद तो सब कुछ आप ही का हो जाएगा, आखिर रूपा मेरी एक ही तो बेटी है। राजकुमार जी ये इतना बोले हैं, आप भी तो कुछ बोलो। ठीक है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। हाँ ये हुई ना मर्दन वाली बात। अब आप ऊपर जाइए और आराम कीजिए। हाँ मुनिया रानी, ओ मुनिया रानी जल्दी से गर्मा गर्म चाय और नाश्ता ऊपर ले जा, जवाई राज आए। जवाई राज अपने राजकुमार साहब। अच्छा जल्दी जा मामा मक्खन। हाँ आज से ही ब्याह की तैयारी शुरू करा। एक अड़चन है आपका अड़चन क्या? है अरे अगर रूपा की शादी हो गई तो सारा शहर इन पर थू थू नहीं करेगा। क्यों काहे को? अरे शांति बड़ी है,
जब तक शांति की शादी ना हो जाए रूपा की शादी कैसे हो सकती है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मामा मक्खन, आज पहली बार पते की बात की है तूने। घर में बड़े बुजुर्ग होवे ही किस लिए है? रामू हुकुम, तुझसे एक बात करनी है। बैठ जा, बैठो, बैठ बैठ बैठो। हाँ बोलो। अब देखो, ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि एक मिनट में शांति के लिए लड़का मिल जाए। रूपा के लिए तो मिल गया राजकुमार, अब शांति के लिए कोई गली का भिखारी तो नहीं ढूंढ सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो कहता हूँ दुर्गा बहन, जल्दबाजी से काम मत कीजिए, पहले मुझे शांति के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने दीजिए। जब मिल जाएगा शांति की शादी हो जाएगी, उसके बाद रूपा की शादी भी हो जाएगी। क्यों रामू? मामा हाँ? बात तो बिल्कुल ठीक है, पर इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है? लड़का बगल मा और ढिंडोरा नगर मा। कौन लड़का? अरे इतना बड़ा सांतों का सामने खड़ा है, हम लड़का नहीं? शांति की शादी तेरे साथ? हाँ हमरे साथ। जरा सोचो मामा, अगर तुम कोई लड़का बाहर से ले आए तो शादी के बाद वो मुनिया रानी को यहाँ से ले जाएगा, और फिर घर का कामकाज कौन करेगा? अगर हमरे साथ ब्याह होगा तो हम दोनों सदा यहाँ रहेंगे और जिंदगी भर दुर्गा मैया की सेवा करते रहेंगे। अरे मखलान, मखलान, पहले इसकी शादी का बंदोबस्त करो। दुर्गा मैया जय हो, जय हो दुर्गा मैया, जय हो, जय हो, जय। ओम शांताकारं भद्रदयं पद्मनाभं सहस्रनाभं स्वाहा शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलयं भोगवीर जानकं वंदे विष्णु भवेम सर्वलोकैकनाथं विवाह हो गया। ओम शांति शांति शांति। मारा मक्खन, तुका बहुत बहुत धन्यवाद, तुहरे कारण आज शांति के साथ हमारा ब्याह होएगा। अब फोगट में हमका आशीर्वाद दे ही दे। ठीक है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आशीर्वाद के बहाने कहीं मेरी टांग न खींच डालो। चलो चलो चलो, बहुत काम पड़ा है। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा को दक्षिणा तो देते जाइए। ये लो, ये 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 क्या, केवल एक रुपया 25 पैसे? अरे एक शादी का 1 रुपया और 25 पैसे तुम्हारी दक्षिणा है। ठीक है मामा जी, मामा जी करता है। चलो चलो। अरे तो ना, अभी चुप कर बात दूंगा। दुल्हन भैया, हमका आशीर्वाद दे। जीते रहो, जीते रहो। मक्खन मामा ने हमारी शादी करवा दी बड़ी धूमधाम से, 7 रुपया 70 पैसा में। तूने का 10 रुपये दिए थे ना, इका कह के बाकी के 2 रुपये 30 पैसे हमका दिलाए दे। क्या करेगा 2 रुपये 30 पैसे का? वो कहा कहते हैं वो हनीमून मनाएंगे, मुनिया रानी को रिक्शा में बिठा कर घुमाएंगे, भेल खाएंगे, मिठाई खाएंगे। अरे तुझे तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, इतना काम पड़ा है, चल काम कर। रामू तुमको मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक है ना, बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को 2 दिन के बाद, जब मेरी रूपा की शादी होगी बैंड बाजा के साथ। रामनगर के राजा का बेटा नहीं, धोखी है क्या? जी हाँ, रामनगर के राजा साहब तो हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार हैं, और कुंवर लक्ष्मण सिंह, कुंवर लक्ष्मण सिंह तो हमारे हाथों में पले हैं। नो प्रॉब्लम, वो ये नहीं है।
कर दिया ना कबाड़ा सारे खानदान का। मामा, अरे मामा क्या? अरे चिल्लाओ मत, शादी तो हो गई, अब चिल्लाने से क्या फायदा। दुर्गम्मैया, अब अकलमंदी इसी माँ है कि बात को छुपाए के रखा जाए, वरना शहर का बच्चा बच्चा हंसेगा हमारे खानदान पर। और मामा तुम खास करके चुप रहे। अरे मैं तो चुप रहूंगा, दुनिया से भी छुपा लेंगे, लेकिन रूपा से कब तक छुपाएंगे। हाँ ये बात तो है दुर्गा मैया, रूपा को तो बताना ही पड़ेगा। आओ रूपा, ये फूल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या कर रही है रूपा? रूपा छोटे बाज पड़े भी सच सच बताओ तुम कौन हो? हा? कौन क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? एक ब्याहता हिंदू स्त्री सुहागरात के दिन अपने पति से पूछ रही है कि तुम कौन हो। क्यों ना पूछे, जब उसके पति ने झूठ बोल के शादी की कि वो एक राजकुमार है। प्यार और लड़ाई में आदमी कुछ भी कर सकता है रूपा, अगर मैं अपनी असलियत बता देता तो तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। और रूपा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी खो नहीं सकता था। नहीं, खुद गर्वी को प्यार का नाम देकर प्यार का अपमान मत करो। तुमने मुझसे शादी की ताकि मेरी दौलत हासिल कर सको। मुझे गलत मत समझो रूपा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों इस धन दौलत इस महल को ठुकरा कर कहीं दूर चले जाएंगे, और मैं मेहनत मजदूरी करके जो भी रूखी सुखी कमाऊंगा तुम्हें सुखी रखूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है रूखी सुखी खाने की, और तुम जैसे धोखेबाज के साथ दर दर भटकने की। मेरी मम्मी के पास मेरे लिए सब कुछ है, धन दौलत आराम। तुमसे शादी करके मैंने जो गलती की अब उसकी सजा मेरी मम्मी भुगतेगी। जिंदगी भर मेरे साथ साथ तुम्हें भी यहाँ बिठा के खिलाएगी पिलाएगी। बहुत अभिमान बहुत अहंकार है अपनी माँ की दौलत का। रूपा, मुट्ठी भर दौलत के घमंड में तुम पति पत्नी के पवित्र बंधन का मजाक उड़ा रही हो। दिलों का मेल दौलत के जोर से नहीं, आपस के प्यार से होता है। जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ, सुहाग की सेज तुम्हें बुला रही है। नहीं, छोड़ दो, हम सिर्फ कहने के लिए पति पत्नी हैं, हमारे दिल कभी एक नहीं हो सकते। बहुत अच्छा हुआ, दुर्गा देवी आसमान का तारा तोड़ने चली थी, लेकिन वो तारा कीचड़ का छींटा बनकर आ पड़ा मुंह पर। जवाई को राजकुमार समझती थी, लेकिन वो निकला 420 कुमार। अब बैठी माथा पीट रही है, ना इस बात को छुपा सकती है, ना दुनिया को कुछ बता सकती है। तुम उसका दुखड़ा रो रही हो, क्या कर रही हो? सोने की चिड़िया उड़ गई हाथ से। अरे ये तो तू समझती है ना उड़ गई, वो अपने जाल से निकलकर जाएगी कहाँ। मैं ऐसा नारद मुनि वाला खेल खेलूंगा कि रूपा लड़ झगड़ कर अपने फरेबी खसन से तलाक ले लेगी, बस फिर क्या, अपने चंद्र के लिए रास्ता साफ। किसी के झूठन उठाकर यहाँ ले आओगे मेरी बहू बनाने को? अरे मेरी भोली ज्वाला, तू समझती क्यों नहीं? सुन, तुझे नई नवेली दुल्हन चाहिए या जायदाद और धन दौलत? धन दौलत तो फिर जल्दी से तलाक कराई दो। देखो चंद्र के जेल से आने में अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, जल्दी से कराई दो। भाई अपना काम तो समझ लो खत्म ही हो गया, आज के ड्रामे के बाद मैं तुम्हारी भाभी को लेकर घर चला जाऊंगा। आप बहुत खुश नसीब हैं भैया, आपको छुट्टी जल्दी मिल जाएगी, मेरी ड्यूटी अभी बाकी है। रूपा को यहाँ से निकालने के लिए न जाने मुझे और क्या क्या ड्रामा करने पड़ेंगे। सर अपने ड्रामे का मेरा जो आखिरी सीन है वो आज शुरू करो ना।
बुढ़िया रानी, छोटे जवाई अभी तक नहीं आए। अरे क्या हुआ? तुम्हारे मुंह से भभक का है क्या? दारू पी के आवे हो का? हाँ बिग ब्रदर। अरे अरे पर अरे यानी कि तुम सिर्फ एक धोखेबाजी नहीं शराबी भी हो? चिल्ला दी क्या? सोचे मदरण लो, एक शादीशुदा आदमी उसकी बीवी उससे बात नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती, वो ताजा शराब नहीं पिएगा तो और क्या करेगा? आज के बाद अगर कभी तुमने शराब पी तो मैं तुम्हें इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी, समझे? अगर हर शराबी का घर में दाखिला बंद कर दिया जाए तो शहर के आधे लोग रात बाहर सड़क पर गुजारेंगे और लोग ताले मारेंगे। हाँ छोटे भैया, तुम रोजी माफिक दारू पी के लोगों को तमाशा दिखाओगे तो हमारी गुड़िया रानी की इज्जत का क्या होगा? अरे तुम्हारी गुड़िया रानी ने तो खुद ही बड़े रोन से कहा था कि मेरी माँ के पास बहुत दौलत है, वो तुम्हें इस घर में जिंदगी भर बिठा कर खिला सकती है, पिला सकती है, तो मैंने पिली। मेरी दौलत शराब में लुटाने के लिए नहीं है, आज से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि शराब नहीं मिलेगी? नहीं, कोई बात नहीं, चाय तो मिलेगी ना। रूपा एक कप चाय लेके आओ, जल्दी। शांति जाओ, जल्दी से एक गर्म कप चाय लेके आओ और मारो इसके मुंह पे ताकि कम से कम नशा तो उतरे। ये काम मैंने आपसे नहीं अपनी बीवी से कहा है। शांति देवी जी, नौकरानी देवी बन गई और मेरी बेटी घर की नौकरानी की तरह काम करेगी। सुन लो बिग ब्रदर, आपकी बीवी की तारीफ हो रही है, नौकरानी है वो। हमार जोरी घर की नौकरानी नहीं, बड़ी बेटी हो गए हैं और तुम और हम ये घर के दोनों बराबर के जवाई है। जवाई? हाँ जवाई, वो भी बड़े जवाई। क्यों दुर्गा भैया? शर्म आती है तुम्हें जवाई कहते हुए? सच ही खा रहे बाबा, ये नशे में है, इसको ले जाओ पास, जाओ इसके साथ। मदर इन लॉ, हम इसकी तरह तुम्हारा गुलाम नहीं है कि हुक्म दिया ऊपर जाने के लिए तो ऊपर चला गया, कहा नीचे आने के लिए तो नीचे आ गया। तुम हमका कहा बोला, गुलाम बोला? अरे जरा इज्जत से बात करा। इज्जत? और तुम? अरे इज्जत होती तो इस घर का दामाद होते हुए नौकर की तरह थोड़ी रहते। तुम्हारा मतलब है ये घर में हमारे कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं, ये भी पूछने की बात है? अरे इज्जत होती तो इस घर को छोड़कर कब के चले गए होते अपनी बीवी को साथ में लेके। ये बात है तो ठीक है, हम अभी जावत है। अरे अरे अरे, ये तू क्या कर रहा? अरे तू क्यों इसे पट्टी पड़ा रहा है? अरे रामू, तू चला गया तो इस घर का झाड़ू और सफाई ये सब कौन करेगा? इस घर में आप है सिर्फ नाम के जवाई, आपका यहाँ असली रिश्ता है झाड़ू और सफाई। सुना सुना का कहा? अरे ये तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, वो दिन भूल गया जब पेट भर खाने के लिए तू यहाँ आया था। शेम शेम शेम। अरे तू चुप रहा ना। दुर्गा मैया, अगर तू सोचत है बाहर हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं इसलिए हम यहाँ आए रहे, तो ये तुम्हार भ्रम है, भूल जावा इसे। अब हम कबूतर खाने में नहीं रहेंगे, चलिए मुनिया। अरे इसे क्यों बुला रहा है? का ये हमारा जोरू है, हमारे संगी आएगी। ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। तू का कहत है? इसे क्या पूछता है, मैं जो कह रही हूँ तुझको अगर जाना है तो चले जा। ठीक है, हम जावत है। सुनिए, अरे तू कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरा हुक्म है तू इसके साथ नहीं जाएगी। ये क्या कह रही माँ जी, पत्नी की जगह हमेशा पति के साथ होती है। मगर इसके पास कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तुझे ले जाएगा? ये जहाँ भी जाएंगे मेरा संसार वही है। दुर्गा मैया, तुहार खोपड़िया माँ अकल की बहुत कमी है, थोड़ी उधार अपनी बिटिया से ले लो। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, पत्नी वही जो पिया बन जाए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं भी परलोक से भाग जाऊँ? दफा हो जाए यहाँ से और तू चली जा, जब भूखी मरेगी तब पता चलेगा, फिर आना मेरे दरवाजे पर माथा पीटते हुए। जा। नहीं तो तेली को दहेज तो नहीं मिला, आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। आओ बनिया रानी, आओ। हम
अरे इनका तो आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन जाने से पहले मुझे तो आशीर्वाद देते जाइए ताकि मेरा भी जल्दी से कल्याण हो जाए। भगवान तुम्हारा भी भला करेगा। हम चावत अच्छा वो गए, हम भी गए। और दीवार के लोग तुम्हें तो पसंद किया थे। तरह क्या देखा दो, उस तस्वीर में उस तरफ हम हैं और इस तरफ लक्ष्मण है, छोटे जवान हमारा छोटा भाई और बीच में कुर्सी पे जो विराजे हैं ना वो हमारा बापू है, तुम्हारे ससुर जी। यानी के राम बेटे पिताजी। अरे अरे अरे, पहले उन महापुरुष के चरण छुओ बेटे जिनके आशीर्वाद से मेरा यह सपना पूरा हुआ। कल तक ये घर औरत के बिना सूना सूना लगता था, लेकिन आज तुम्हारे आने के बाद इस घर में एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी आ गई है। लो संभालो चाबियां, ये चाबियां सिर्फ इस घर के तालों की नहीं, इस घर की इज्जत की हैं, इस घर की खुशियों की हैं। क्या कर रही हो आप? इतने बड़े घर के बेटे मेरे खाते नौकर बनकर आए। अरे पगली, जब तक इंसान कोयले के काली खान में न जाए उसे हीरा नहीं मिलता। तुम इस घर की शान हो। चंदर की माँ, लड्डू बाट लड्डू। जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ गया। तुम्हारी कोई लाठी लग गई क्या? अरे लाठी क्या चीज है, दुर्गा देवी की चुटियाँ मेरे हाथ में आ गई है। चुटियाँ? हाँ, अरे उसका जवाई है ना। हाँ? वो रोज पी कर आता है और आकर उधम मचाता है। दुर्गा देवी ने मुझसे कहा है कि उसे आगे संभाल लो और खास मिन्नत की है कि हम उसी घर में जाकर रहे। हमें क्या पड़ी है उसकी मुसीबत अपने साथ में। अरे बुद्धू समझती क्यों नहीं, हम उस घर में जाएंगे राहु केतु की तरह जमकर बैठ जाएंगे। जैसे अपना चंद्र आएगा ना, हम तीनों मिलकर ऐसी चाल चलाएंगे कि दुर्गा देवी और उसके जवाई की हो जाएगी छुट्टी। उसके बाद रूपा भी हमारी और रूपा का माल भी हमारा। अच्छा, अब बात समझ में आई। मम्मी मम्मी क्या बात है बेटी? मम्मी मेरा जरा उहार और चुड़िया नहीं मिल रही है। अरे तुमने अच्छी तरह से देखा? हाँ मम्मी, मैंने सारा कमरा छान मारा। तो फिर गहने कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी नहीं गए मदर इन लॉ, सब यही है।
चूड़ियां बोतलों में बदल गई और गले का हार शराब बन के गले के नीचे उतर गया। अरे निर्लज्ज, ये तुमने क्या अनाथ किया? अपने ही घर में चोरी की? कोई चोरी नहीं की मैंने, मदर इन लॉ चोरी नहीं की, मैंने अपनी बीवी के गहने बेचे। तूने अपने बीवी के गहने नहीं बेचे, तूने अपनी शर्म और इज्जत को शराब में घोल कर पी डाला है नशे के खातिर। नशा किसके नहीं है मदर इन लॉ, हमको भी है इसको भी है आपको भी है। आप अपने नशे में जीते हैं, आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं हम जरा सी शराब पीते हैं। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं हम जरा सी शराब पीते हैं। बहके संभल भी जाते हैं, सर बहक जाए तो संभलता नहीं, पांव बहके संभल भी जाते हैं, सर बहक जाए तो संभलता नहीं। दारू चढ़ के उतर जाती है, पैसा चढ़ जाए तो उतरता नहीं। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं हम जरा सी शराब पीते हैं। मेरी आंखों में रहती है मस्ती, भाई वावा आपके सर गरूर रहता है, मेरी आंखों में रहती है मस्ती के सर गुरूर रहता है। चाहे कितना भी कम करो गुस्सा थोड़ा सा तो गुरूर रहता है। आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं हम जरा सी शराब पीते हैं। चलते हैं लड़खड़ा के मगर आप
जरा सी शराब पीते हैं, आप अपने नशे में जीते हैं, जीते हैं हम जरा सी शराब पीते हैं। ये तो हो गए धड़ाम, अब सुबह तक के लिए गए काम। अब तुम ही इसे संभालो मक्खनलाल, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, मेरी तो जान मुसीबत में आ गई है। अरे ये मुसीबत तुमने खुद अपने सर पे डाली है, जब मेरे मर्द ने कहा कि शादी मत करो फिर भी तुमने हमारी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। दुर्गा बहन पिछड़ पिछड़, दुर्गा बहन ज्वाला की बातों का बुरा मत मानिए, ये जबान की गर्म है लेकिन दिल की बहुत नरम है, ये तो यहाँ इसलिए आई है कि यहाँ से सारी मुसीबतें निकाल दी जाए। राजकुमार बाबू, राजकुमार बाबू, हे राजकुमार बाबू, हे जरा होश में आओ ना। अरे मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? चलो मैं उठा के आता हूं। चलो उठा उठा, खबरदार, चाकू 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 हाथ लगाया तो सबको कत्ल कर दूंगा। इस घर में जितना गंदा खून है आज सब बहा दूंगा। राजकुमार साहब, आखिर हमारा कसूर क्या है? कैसे मरे थे तुम? कहां इसे चाकू चलाए? अगर मैं रसोई घर से छुरी ले आऊं तो इसे गौज और मुनि की तरफ काट के अभी रख दूं? क्या समझ रहा है? जरा पूछो तो सही, अपने आप को क्या समझता है? थोड़ी सी अकल दे दे ताकि कम से कम शराब तो पीना बंद कर दे। आई मदरे लॉर्ड, शराब नहीं बंद कर सकता, आप कहें तो मैं इस घर में आना बंद कर सकता हूँ। राजकुमार बाबू, ये नेक काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो। ठीक कह दो यहाँ से चला जाए ताकि कम से कम हम तो क्या जी सके, वैसे भी इसकी सूरत को देखने कौन तरसता है? ऐसी बात है तो मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। अरे चाचा, तुझे कौन रोक रहा है? मैं सचमुच चला जाऊंगा यहाँ से। कल जाता हो तो आज चला जा, अभी चला जा। मैं अभी चला जा। रूपा! अरे उसे क्यों बुला रहा है? अरे शराब मेरी पत्नी है। रूपा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? अरे सुना नहीं रूपा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, ये नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों नहीं जाएगी मेरे साथ? तेरा कोई घर बार भी है? बड़ा महाराज कुमार बना फिरता था, लफंगा शराबी। शराब? रूपा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे हो क्या? नहीं। इससे क्या पूछता है, मैं जो कह रही हूँ मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो देख लेते हैं ये माँ की बेटी है या अपने पति की पत्नी। रूपा मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। बेटी जो है पहले मैं नहीं आती। हाँ हाँ कह दे, देखेंगे क्या कर लेगा। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे रखवाले हैं, हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है रूपा, लेकिन एक बात याद रखना, पत्नी का सच्चा साथी और रखवाला सिर्फ उसका पति होता है। सुनिए, जाने दे उसे। चिल्लावे तो और क्या करूं, 15 बार चिल्लाने के बाद अब तुम आए। क्या भूख के मारे अंतरे में बल पड़ रहे हैं? एक मिनट नहीं सकते क्या? तिजोरी में पैसे रख रही थी। हाँ, एक बार तिजोरी की चाबी हाथ में आ जाए फिर औरत घरवाली की परवाह क्यों करेगी। मुझे दो, तुम दूसरा काम करो। ये लो नाश्ता। नहीं। क्यों? भूख नहीं। अभी भूख लगी थी और अभी नहीं? नहीं। तुम्हारे ना कहने से मान जाऊंगी। क्या करूंगी, क्या करूंगी बताओ? जबरदस्ती मुंह में डालूंगी। Thank you.
अरे ये मेरा घर है या किसी हलवाई की दुकान है? अरे चिल्ला क्यों रही है? कान से बिच्छू ने काट खाया, जानती नहीं आज मेरा बेटा 6 महीने के बाद घर आ रही है। कौन से विलायत से आ रहा है? आ रहा है बंपई से, वो भी जेल से निकल के। अरे दुर्गा बहन, जेल को कोई मामूली जगह ना समझना। कंस का नाश करने वाला कृष्ण वो भी तो जेल में ही पैदा हुआ था। जिंदगी में पहली बार अकल की बात। धारे मार मार कर क्यों रो रही है? एक प्लेट टूट गई तो क्या हो गया? हम भी तो तेरी खातिर अपना घर बार छोड़ कर आए हैं, गाय भैंसे बेच कर आए हैं। अब इस तरह का नाटक करके तो हमें वापस नहीं बेच सकती। हाँ हाँ, मेरी माँ, मैं भक्ति हूँ, मेरा कसूर है। मैंने मत मारी गई थी जो मैंने तुमको मुझे माँ, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने इन लोगों को खुद ही बुलाया और अब पछता रही हूँ। हाय दुर्गा जी, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा कोई मर गया है? मरे मेरे दुश्मन जो इस घर को जा रहे हैं। आंटी, मुझे मालूम हुआ कि मेरे बाबा भी इधर आए हुए हैं। मैं भी इधर आ गया। कहाँ है वो? अरे कभी मेरी आंखें तुझे देखने को। मेरे हिसाब से तेरी सजा खत्म होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। उन्होंने तुझे पहले कैसे छोड़ दिया? आप सुन नहीं, सरकार ने मेरा अच्छा चाल चलन देख कर मुझे पहले छोड़ दिया। देखा मेरा बेटा कितना सुधर गया। मेरे सुंदर से बेटे को नजर मत लगा। अरे संदर, तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई है, अभी लाती हूँ। नजर नहीं आती, पर दुर्गा आंटी भी कुछ दुखी दुखी बैठी है। अरे बेटे, अगर तेरे आने का इंतजार करती तो सुखी हो जाती, लेकिन घमंड में आके जल्दबाजी कर बैठी और रूपा की शादी किसी चोर चक्की और शराबी से कर दी। क्या आंटी, अगर तुमने रूपा की शादी किसी चोर चक्की और शराबी से करनी थी तो मैं क्या बुरा था? मेरा तो चाल चलन भी अच्छा है। अरे सरकार ने कहा है। हाँ। छोड़ो इसको, जरा हम भी देखें रूपा का मर्द कैसा है और कहाँ है। यहाँ कहाँ, वो तो किसी चोरी चकारी में जेल पहुँच गया होगा। इसका मतलब रूपा बिल्कुल अकेली है। अरे बेचारी, शायद छोड़ो इसको। आंटी तुम ऐसा करो, रूपा को उससे तलाक दिला दो और मैं उससे शादी कर लूंगा। आंटी मैं तो, अरे बेटा तू क्यों इस पागल से भाषा किया है? मेरा ही नमक खाती हूँ, मुझे गाली दे क्यों? समझ बुढ़िया, और तो मेरी माँ से कुछ कहा था तू बेदानी का स्वागत है। एक लफ्ज बाहर निकाला तो चाकू गले में उतारूंगा। मेरे रूपा को आने दो, एक ही फोन में तू सब कुछ ऐसा करवा दूंगी। बड़ी आई के भिजवाने वाली, तेरे साले बाप का राज है क्या? साला होगा तेरा बाप। तूने मेरे बाप का साला कहा? छुड़ैल, छुड़ैल तू, तेरी माँ, तेरी नानी छुड़ैल। तूने मुझे मारा है? अरे आपको समझते क्या है भिजवा? ये मुझे हेलो रूपा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं चंदर,
पहचाना नहीं? अरे हाँ, कैसे पहचानोगी, बहुत दुबला हो गया हूँ ना। रुपा क्या हुआ, जेल में सरकारी माल जरा पचा नहीं। खैर छोड़ इन बातों को, मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। क्यों मैं पूछा ना? हाँ पूछा, तुम सुबह से कहाँ थी? अरे बातें क्या कर रही है, बातें करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। इस बेचारी को कुछ खा लेने दो। आ बिटिया, मम्मी कहाँ है? अरे क्या बताऊं बिटिया, पता नहीं उन्हें क्या सूझी, अचानक गठरी बांध ली और कहने लगी मैं तो तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, घर का और बिटिया का ध्यान रखियो। तीर्थ यात्रा? मुझे पता है बाबा, ये कैसे हो सकता है? मम्मी मम्मी! रूपा बेटी, दुर्गा बहन सचमुच यहाँ नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? बेटी उनसे तुम्हारा दुख नहीं देखा गया, इसलिए तीर्थ यात्रा पे चली गई, ताकि भगवान के सामने तुम्हारे सुख के लिए प्रार्थना कर सकें। अरे बाप, तुम फिक्र क्यों करते हो, अब मैं जो आ गया हूँ रूपा को सुखी करने के लिए। अरे मुर्गा, कहाँ गई? अरे जरा सब्र से काम ले। देख, थोड़ी सी मिठाई ले, उसके कंधे में जा, उसे खिला पिला और उसका दिल बहला। उसका दिल बहलाओ? हाँ। वो कैसे मम्मी? ओहो, जैसा बाप वैसा बेटा। क्या बाबू? रूपा, तुमने खाना नहीं खाया ना, तो मुझसे भी नहीं खाया गया। चलो थोड़ी मिठाई खा लो। मुझे नहीं चाहिए। अरे जिद नहीं करते, चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं या मिठाई? तुम। अरे अब समझ गया मैं, रूपा तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती हो। हाँ। तुम्हें जानने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं, मैं पूछी हूँ तुम्हें जाने की इजाजत कितनी दी। अरे कमाल है, देखो जब प्यास लगी हो और सामने पानी पड़ा हो प्यास बुझाने के लिए, तो किसी की इजाजत थोड़ी लेनी पड़ती है। चलो आ जाओ यहाँ से। हाय हाय, नदी बहुत बल खाती है, बहुत इधर से उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी तकदीर बदल नहीं सकते, आखिर उसे एक दिन समुन्द्र के साथ एक होना ही पड़ता है। क्या हमारी चाहिए ऐसी बातें कहती हुए, मत भूलो कि मैं किसी की बीवी हूँ। किसी की बीवी? अरे कमाल है, जब उस किसी का पता ही नहीं तो फिर बीवी किसकी हुई? तो तुम ये मंगल सूत्र उतार के फेंक दो और फिर से कुंवारी हो जाओ। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर से? अरे कमाल है, अरे तुम जानती नहीं ये घर और तुमको तुम्हारी माँ मेरे हवाले करके गई है, समझे? आगे मत बढ़ो, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे कर लो, पुलिस को फोन कर लो, लेकिन फोन तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी बाहों से गुजरना होगा, समझे? देखो घबराओ मत, नहीं बात सुनो, जो काम कल करना है वो आज ही कर लेते हैं। अच्छा तो ये बात है, देखता हूँ कब तक नहीं मानती। रूपा मैं जिसे पाना चाहता हूँ उसे हासिल करके ही रहता हूँ, और उसे हासिल करने के लिए मैं चाहे कुछ भी हो करके छोड़ता हूँ, समझे? देखता हूँ तू कब तक नहीं मानती। रूपा मैं जिसे हासिल करना चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुम नहीं जानती ये घर और तुमको तुम्हारी माँ मेरे हवाले करके गई है। रूपा जब उस किसी का पता ही नहीं तो फिर बीवी किसकी हुई? तो
अपना बदन समुंदर के हवाले करने के बजाय मेरे हवाले कर दो जनमन, फिर देखो कैसा मजा आता है। क्यों मजा आया? सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करूंगा, मैं साया की तरह हमेशा इसके साथ हूं। पत्नी का सच्चा साथी और रखवाला सिर्फ उसका पति होता। समझ गया, तुम आ जाओ। हाँ राम, राम बेटे। यस डैड। लक्ष्मण रूपा को लेके कल आ रहा है। अच्छा हाँ, तो फिर अभी से उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। ना 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 ना, लक्ष्मण चाहता है रूपा को अभी पता ना चले कि वो कौन है। आई सी, मतलब अभी तक रूपा पूरी तरह बदली नहीं है। हाँ लगता कुछ ऐसे ही है, वो बहू को लेके यहाँ नहीं आएगा, हमारे बाग में जो आउट हाउस है ना वहाँ जाएगा। उनके ठहरने का बंदोबस्त मुंशी जी देख लेंगे। आप लक्ष्मण भैया को समझाते क्यों नहीं? वो कब तक उस बेचारी की अपनी परीक्षा लेंगे? तुम चिंता न करो बहू, सोना जितनी बार आग में से गुजरता है और निकलता है। नमस्ते साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते। आप मुंशी लालचंद जी हैं? जी हाँ। हम लोग द्वारकापुर से आ रहे हैं, जगदीश बाबू ने आपके नाम ये खत भेजा। जगदीश साहब ने ट्रंकल भी किया था मुझे तुम लोगों के बारे में, मगर दिक्कत ये है कि इस वक्त तुम्हारे लायक कोई नौकरी नहीं मेरे पास। हाँ प्रेस में एक क्लीनर की जगह खाली है, मगर शायद वो नौकरी करना तुम पसंद ना करो, शक्ल सूरत से तुम किसी बड़े घराने के लगते हो। अजी साहब, इस शक्ल ने ही तो मुसीबत डाल रखी है। मेरी बीवी ने भी ये शक्ल देखकर मुझसे शादी की थी, देख लीजिए बेचारी दुखी है मुझसे। मैं कोई दुखी की नहीं। तुम लोग सोच लो, क्लीनर की तनख्वाह शायद तुम नहीं जानते कितनी होती है, 70 रुपए महीना, काफी हो जाएगी तुम लोगों के लिए। अगर मैं कहूँ काफी नहीं तो क्या आप तनख्वाह बढ़ा देंगे? तनख्वाह बढ़ाने की बात छोड़ो, अगर तुम्हें ये नौकरी मिल जाए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो। हाँ मैं एक मदद जरूर कर सकता हूँ, हमें इस बाग के लिए एक माली की जरूरत है जो पौधों को पानी वानी देता रहे और सफाई का ख्याल रखे। अगर तुम्हारी मिसेज ये काम करना पसंद करें तो हफ्ते के 10 रुपए इन्हें भी मिल जाया करेंगे। 10 रुपए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मर्जी, जितनी भी ठीक है वहां कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा, हाँ कर दीजिए ना। मुंशी जी, मुंशी जी हमें मंजूर। तो आओ मेरे साथ।
हो गई मशीन? हाँ डैड ठीक हो गई, उसे ठीक कर दिया। इतनी बड़ी जर्मन मशीन को तुमने फौरन ठीक कर दिया, मगर बेचारी हिंदुस्तानी बीवी को ठीक करने में बहुत वक्त लगा रहे हो। फिक्र न कीजिए डैड, उसे भी ठीक कर दूंगा। चलो क्या है जी? ये देखो कौन आया है। अश्विन भैया। नमस्कार भाभी। जीते रहो। रूपा को नहीं लाए? अरे अभी कहाँ, ये तुम्हारा देवर है ना, उसके और इम्तिहान लेना चाहता है। भाभी नाराज हो गई? भाभी लक्ष्मण भैया, मेरी बहन बहुत नाजुक पली है, शादी से पहले उसने कभी कोई दुख कोई परेशानी नहीं देखी। वो रंग भी तो उसे देखने चाहिए भाभी। भाभी मैं चाहता हूँ कि उसमें भी आप जैसा सब्र हो, सहनशीलता हो, जो हर स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। भाभी उसे महसूस करना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं, कभी कभी कांटों से भी तो निभा करना पड़ता है। भगवान न करे उस पर कोई दुख आए, रूपा दिल की बहुत अच्छी है। अच्छी है तभी तो मैंने उससे ब्याह किया है, लेकिन उसका अच्छापन अहंकार और अज्ञान के अंधेरे में छिपा हुआ है, और वो अंधेरा तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके विचार नहीं बदलेंगे। लेकिन भाभी आप मत फिक्र कीजिए, मैं बहुत जल्द उसे यहाँ ले आऊंगा। जिस काम से आया था वो तो भूल ही गया। क्या? वो रूपा के लिए एक साड़ी चाहिए, आजकल उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी। ओह अभिनय। लक्ष्मण भैया ये लो रूपा के लिए साड़ियाँ। ये? अरे भाभी आप भी कमाल करती हैं। भाभी ये नई कीमती साड़ियाँ नहीं, आपकी कोई पुरानी सूती साड़ी चाहिए। रूपा हमेशा सिल्क की साड़ी पहनती है, पुराने कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती। भाभी आप मेरी बात मानिए ना प्लीज, अपनी कोई पुरानी सूती साड़ी दीजिए प्लीज। चाहिए 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 ना। रूपा रूपा देखो मैं तुम्हारी साड़ी लाया हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से आए? अरे मेहनत मजदूरी करके कुछ कमा लिए, देखो तो सही कैसी है। तुम कुछ नहीं क्योंकि ये साड़ी पुरानी है। नहीं ये बात नहीं, मुझे शांति दीदी की याद आ गई, वो हमेशा इसी तरह की साड़ियां पहना करती थी। राजा ने आपको कहा है? किस हाल में? वो जहां कहीं भी हैं, खुश हैं। हम लोगों ने दीदी को बहुत दूध दिया है, जब भी मुझे दीदी की याद आती है अपने आप पर शर्म आती है। दीदी बातें सोचकर जी जलाने से क्या फायदा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। ए मुंह हाथ धोने के लिए पानी गर्म करके ले आओ। नहीं आंटी तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी को एक बहुत अच्छे से कमरे में बंद कर रखा है। क्यों रहा मेरी बेटी पर? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगा लेकिन तुम पहले चेक पर साइन कर दो। नहीं करूंगी साइन, पहले उस बंद कमरे में से मेरी बेटी की हाल लाओ मेरे सामने, उसके बाद तुम जो चाहो मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर कहीं दूर चले जाएंगे। ए बढ़िया, ये चलाकी नहीं चलेगी, पहले इस चेक पर साइन कर, वो सब बाद में होगा। नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच ले, तो तुझे अपनी और अपनी बेटी की जान प्यारी है या दौलत? सुन, जब तक तू इस चेक पर साइन नहीं करेगी ना तो तू यहां से जा सकती है और ना ही तो अपनी बेटी से मिल सकती है। मैं फिर आऊंगा। मैंने तुम्हारी बेटी के ऊपर जो जुल्म किया है उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है, मुझे माफ कर दो। शांति बेटी, शांति माँ जी। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? हमें फौरन माँ जी के पास जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी मुझे जोर जोर से पुकार रही हैं। तुम्हें शुरू से आदत पड़ी हुई है ना
अपने सौतेली माँ का चीखना चिंगारना सुनने की तुम्हारे कान बोल रहे हैं। नहीं जी, मुझे लगता है माँ जी जरूर किसी मुसीबत में है। कम से कम मेरे खातिर एक फोन तो कर दीजिए, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। ए! हेलो, विंबलपुर से फोन कॉल दुर्गा देवी के लिए। अरे ये अचानक विमलपुर में दुर्गा देवी का कौन रिश्तेदार पैदा हो गया जिससे आधी रात को उसकी याद आ गई? कोई भी हो डैडी, इसमें घबराने की आवाज़ है। अगर वो रूपा और बुढ़िया के बारे में पूछे तो बोल दो वो दोनों तीर्थ यात्रा पर गई है, पता नहीं कब आएगी। हेलो, यस, हाँ मामा मक्खन, हम रामू बोलत है, हमार मुनिया रानी दुर्गा मैया से बात करना चाहत है, तरी फोन पे बुलाए दो। कहा दुर्गा मैया और रूपा तीर्थ यात्रा पे गई हैं दोनों? हम तो हर बात अच्छी तरह समझ गए मामा, तुम्हार तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन रूपा तो यहाँ है। तुम्हारी बात ठीक मालूम होती है, वरना मामा को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वहां जरूर कोई गड़बड़ है। सब्जी में बहुत ज्यादा नमक है, आप कैसे खा रहे हैं? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। झूठ, आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं? दीदी कैसी पत्नी हो जो ना ठीक से खाना बनाना जानती है ना अपने पति को पेट भर खाना दे सकती है। अरे पगली, खाने का असली मजा तो उस प्यार में है जिस प्यार से खाना खिलाया जाता है। अगर प्यार से कोई जहर भी खिला दे तो वो अमृत बन जाता है। आप कितने अच्छे हैं। नहीं रूपा, हम सिर्फ कहने के लिए पति पत्नी हैं, हमारे दिल कभी एक नहीं हो सकते। और अगर हमारे दिल एक हो जाए तो?
सफर पे चलेंगे, द्वारकापुर गए हैं। क्यों, अचानक? बस तुम्हारी भाभी अपनी माँ से मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ भाभी और भैया यहाँ नहीं है। आज मैं रूपा को यहाँ आपके पास भेजना चाहता हूँ तनख्वाह मांगने के लिए। अरे तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है उस बेचारी की? बस डैडी आखिरी परीक्षा है, फाइनल टेस्ट। मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों से देख लें कि रूपा कितनी बदल चुकी है। अच्छा मैं चलता हूँ। ओ हाँ डैड, जब रूपा यहाँ आए तो वो तस्वीर यहाँ नहीं होनी चाहिए। कई के फन बनारस वाला खोलो दुर्गा भाई का ताला, अरे कई के फन बनारस वाला, कई के फन बनारस वाला खोलो दुर्गा भाई का ताला, कई के ए बुढ़िया खोल, अरे खोल ले दे वाला। रोई क्यों नहीं उठी अभी तक? अभी जगा दो। अरे ए बुढ़िया बहरी हो गई क्या? अरे उठ दे वाला खोल। अरे सुनती है कि नहीं? दरवाजा खोल वरना चक्कू तेरे सीने के पार कर दूंगा। मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे कोई हेल्प। बचाओ बुढ़िया, तुझे बाहर निकालने का तरीका मुझे अच्छी तरह आता है। अभी जाके घास ले लाता हूँ, इस कमरे में आग लगाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसी नहीं आती बाहर। हाँ चला गए तुम चंद्र की माँ, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा बेटा जो गुल खिला रहा है वो तुम दोनों ही जानो। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगा। अरे जा रही है तू, जा डरपो, आगे पीछे तो बड़ी डिंगे मार रहे थे और जब काम का वक्त आया तो हथियार डाल दिया हो तुम। जाओ भुगतो भुगतो, तुम दोनों ही भुगतो। वो है तुम पर। अरे तुझे अब कोई नहीं बचाएगा, ये ले ले, बहुत तलब चाहिए ना। नहीं ले नहीं, अरे मुझे बचाओ। सर मैंने दरवाजा खोल दिया है, जान पा रही है तो बाहर आ जा। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। तुझे तलब चाहिए। अरे मर जाएगी, दरवाजा नहीं खोलेगी, दौलत चाहिए। तेरी दौलत तो नहीं है। माँ जी, माँ अब क्यों झक मार के आ रही हो? जाते वक्त तो दुर्गा देवी को आंखें दिखा के गई थी। तुम कौन होते पूछने वाली? माँ जी कहाँ है? कहाँ जा रही है? हटो मेरे रास्ते। अरे मैं कहती हूँ जहाँ से आई है वहीं वापस चली जा। मेरे घर में तुम कौन होते हुकुम चलाने वाली? हटो मैं दिखाती हूँ। अरे हटो। चंदा ने मारा मुझे। माँ जी मुझे बचाओ। माँ जी तुम्हारी उम्र बड़ी छोटी मालूम होती है, जो तुम घर में चली आई। जान प्यारी है तो वापस चली जाओ। नहीं
मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। कौन है? तू इधर है, मैं तेरी जान ले। भाई भाग मिल के मार दो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चोटी पकड़ के तेरे हाथ में नहीं दी तो शर्म ना कमीने। अरे बाप रे, अब तो बेटे को भी छोड़कर खेल सकना पड़ेगा। भागो। माजी, रूपा ठीक है, आप उसकी फिक्र न करें। खेल लगता है वही। आज जिंदगी में पहली बार बेटा बाप के पांव पर गिरा। झुक झुक जो बेटे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जय राम जी की मामा मक्खन। राम राम। का हाल है जी? काहे का हाल, बेहाल ही समझो। रामू जी, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। आ गए। मैंने कई बार इससे कहा कि बेटा तू समझ जा। अच्छा अच्छा, तो हर लाडला बेटा ये है का? हाँ। लगत है। अच्छा भला, जेल में खा पी रहा था, बाहर निकल के आया, हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उठ बेटे, उठ उठ मेरे लाल, उठ उठ उठ। शाबाश, चल चल चल, मैं तुझे सरकारी खैरायती अस्पताल में डाला हूँ। वो किधर है? बाहर दिखाता हूँ तुझे, चल चल। दुर्गा भैया, बेटा मुझे माफ कर दो। मालिक, रूपा दीदी अपनी तनख्वाह लेने आई है जी। नमस्ते। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम द्वारकापुर वाली दुर्गा देवी की बेटी हो ना? जी। मगर तुम्हारी ये हाल है? इतने अच्छे घराने में, इतने नाज और नखरों में पली हो तुम, और आकर ब्याह किया तो एक गरीब आदमी से जो तुम्हें। माफ कीजिए, गरीबी से इंसान का दर्जा कम नहीं हो जाता? हम मेहनत मजदूरी करके इज्जत की रोटी खाते हैं और इसी में खुश है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ना ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम अगर मेरी बहू बनती तो जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी ना होती, बड़े आराम से रहती। बस कीजिए, एक देहात औरत के साथ ऐसी बातें करने का आपको कोई हक नहीं। अरे जा कहाँ रही हो, तनख्वाह नहीं चाहिए? मुझे ना आपकी तनख्वाह चाहिए ना आपकी नौकरी,
आप अपनी दौलत का आरोप दिखाना चाहते हैं मुझे? नहीं नहीं, आपकी संपत्ति से मुझे अपने पति की इज्जत प्यारी है। ये डैड, आपकी बहू इम्तिहान में पास या फेल? एकदम पास बेटे। अरे वो देखिए रूपा जा रही है, गाड़ी रोके जल्दी। रूपा दीदी, रूपा बेटी, रूपा बेटी, रूपा मम्मी, मम्मी मम्मी, पर आप दोनों यहाँ? मैं यहीं रहती हूँ। ये तो सेठ रतनलाल का घर है। हाँ, वो मेरे ससुर जी हैं। क्या? मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी। मेरी छोटी बहू। हाँ। सदा सुखी रहो बहू, हम तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। ये लो तुम्हारे जेवर, जो लक्ष्मण ने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए उठा लिए थे, और ये तुम्हारे पैसे जो कपड़ों की दुकान में गुम हो गए थे। लो लो। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। अजी, ये पाप क्यों चढ़ा रही हैं आप मुझ पर? नहीं, आपने मुझे और मेरी बेटियों को नई जिंदगी देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अजी, मैं कौन होता हूँ? जो कुछ हुआ है आपके स्वर्गवासी पति के आशीर्वाद से हुआ है। हम सब उनके आगे शीश नवाएं और प्रार्थना करें कि हम हमेशा एक रहें।